गुड मॉर्निंग सर प्रोफेसर गुड मॉर्निंग प्रोफेसर आशुतोष जी गुड मॉर्निंग सर नमस्कार प्रोफेसर सुधीर जी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग चलिए हमारा समय हो गया है और हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो आज की सातवीं परिचर्चा में सातवीं पुष्प पे हम आज इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के संस्कृत प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज का विषय आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं उस और कि अर्थायान संस्कृत शास्त्रीय क्रिटिक ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक डिस्कोर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रीय व्यवहार एवं अर्थशास्त्रियों की संस्कृत शास्त्रीय मीमांसा। तो इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या ढूंढने जा रहे हैं और क्या किस आयामों को हम तलाश करेंगे, उस सारी को आज इस परिचर्चा में लगभग अगले 40 मिनट के अंदर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ अगले 5-7 मिनट में अपनी ओर से जो एक भूमिका है, अपने कुछ प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि हम क्यों ये करने जा रहे हैं। सामान्य रूप से जब भी कोई परिचर्चा आरंभ होती है तो वो सीधे सीधे स्पीकर को कह देते हैं कि भाई अब आप शुरू कर दीजिए, आपका स्वागत हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक रहता है कि हम पहले एक पृष्ठभूमि बताते हैं कि हम क्यों ये चाह रहे हैं और क्या हमारी दिशाएं हैं और उसके आगे के आयाम क्या हैं, जिसके लिए हमने विद्वान वक्ता को आमंत्रित किया है और आप सब लोगों को यहाँ पर आग्रह किया है कि आप लोग अपना जो है इस यज्ञ में आहुति दें। तो सबसे पहले हम 3 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन मनुष्य को भविष्य के प्रति आश्वस्त करने में समर्थ हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत चल रही है और जिस दिशा में हम चल रहे हैं, तो क्या हमारा जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो सेफ और सिक्योर है। दूसरा प्रश्न जो है, क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन धनियों को अपने धन को जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए तैयार या उत्साहित कर सका है। और तीसरा जो प्रश्न है, क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ हो गया है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ये 3 जो है संस्कृत की ओर से, संस्कृत शास्त्रों की ओर से या संस्कृत के पक्ष की ओर से ये 3 मुख्य प्रश्न है। अब ये प्रश्न करने के लिए, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेटिक दृष्टि से मैं ये बातें नहीं कह रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम कुछ भी उठ के बोल देंगे, उसका आधार जो है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इस सारे प्रश्न करने का, जब मैं अधिकारी बनता हूँ तो अधिकारी कहाँ से बनता हूँ, मैं अपनी परंपरा से करता हूँ, जहां पे मेरे पास अपनी भाषा है, अपने विचार है, अपने अवधारणाएं भी है। तो सबसे पहली जो अवधारणा है इन सारे प्रश्नों को करने में, यज्ञ की अवधारणा है, जिसको केवल आप एक कर्म कांड के रूप में जानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी दृष्टि में जब भी यज्ञ रहा है तो यज्ञ का मतलब रहा है राइट टू अर्न एंड एट द सेम टाइम यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट। यज्ञ आप बिना अर्जन किए कर ही नहीं सकते और साथ ही साथ अर्जन किया है तो उसका वितरण करना होगा। तो यज्ञ एक इकोनॉमिक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, सोशल इंस्टीट्यूट है, जहां पे अर्निंग और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दूसरे पक्ष में आप और देखिए कि जिनको हम बहुत पिछड़ा हुआ और इस तरह के आरोप लगा करके हम खारिज करने की कोशिश करते रहे हैं, एक लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट है। और वैदिक मंत्रों को जब आप देखते हैं तो आपको प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे मंत्र और ऐसे आइडियाज मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम ना संस्कृत वालों ने कभी प्रयास किया कि उनको हम मुख्य धारा में लाएं और ना कभी संस्कृत के लोगों ने कभी इकोनॉमिक्स वालों के साथ चर्चा की कि हमारे पास भी हमारी सोच है, क्या सोच है और क्या इकोनॉमिक थिंकिंग है। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठा मलक्ष्मी नाशयाम्यहम्। जो ज्येष्ठा, जो लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, भूख और प्यास है, वो सबको मैं नष्ट करता हूँ, अभूति को और असमृद्धि को, ये सारे के सारे सर्वाम निर्णुद मे गृहात्, ये सारे के सारे मेरे घर से निकल जाएं।
तो इसका मतलब है कि उस वक्त के जो लोग रहे होंगे उनकी अपनी एक इकोनॉमिक थिंकिंग थी, उनके पास संपदा का एक आइडिया था, धन संपत्ति का एक आइडिया था, उसके एक प्रिंसिपल्स थे कि उसको खर्च कैसे करना है, उसका अर्जन कैसे करना है। तो ये दो बातें हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा जब हम अर्थायामों पे चर्चा करेंगे। तो यज्ञ का कॉन्सेप्ट और दूसरी ओर जो है वो लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रहेगा। बात को थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा लेता हूँ कि जब मैं इकोनॉमिस्ट के बारे में और सारी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी दृष्टि में, क्योंकि मैं तो उसी परंपरा से हूँ, तो मुझे लगता है जितना मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ा, तो उसमें अब जो इकोनॉमिक्स चल रही है वो नीड बेस्ड इकोनॉमिक्स ना होकर के वो 5-स्टार हॉस्पिटल्स से लेकर के वॉर्स के बीच में सारी की सारी इकोनॉमिक्स खड़ी है। आप देखें कि पूरी की पूरी इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, इस बीच में एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल्स और वॉर के बीच में जो कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं, और वो सारा कुछ आप देख भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पास अपनी परंपरा से तीन मॉडल्स हैं जिनके आधार पर मैं कुछ आगे और बातें करूंगा। जो फर्स्ट संस्कृत शास्त्रीय इकोनॉमिक मॉडल है वो मुझे स्वर्ग से मिलता है, स्वर्ग की कल्पना से मिलता है, आप उसको जो भी कहना चाहें, माइथोलॉजी, कल्पना, जो भी। लेकिन एक आइडिया तो है जहां पे कल्प वृक्ष भी है, जो चाहे वो आपको मिलता है, कहीं पर भी भोगों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू होती है? सर्वाइवल से नहीं शुरू होती, किसी तरह की हंगर से शुरू नहीं होती, वो केवल पूर्णता से शुरू होती है कि जो चाहते हैं वो धरती आपको दे रही है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स को लाना की कोशिश करें, कीन्सियन इकोनॉमिक्स लाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि वो अनुचित है, वो पर्याप्त नहीं है। ये एक स्वर्ग का मॉडल है और इसको सामान्य रूप से हम केवल कर्मकांड धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन उसको हमने कभी इकोनॉमिक एंगल से नहीं देखा और समझा। दूसरा जो संस्कृत शास्त्रीय इकोनॉमिक मॉडल है वो है विष्णु लोक का, जहां पर पूरी की पूरी संपदा है, समुद्र रत्नाकर कहा जाता है, और देने की ही वहां केवल बात है कि विष्णु जो है वो दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, और जितना देते हैं वो कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जो तीसरा संस्कृत शास्त्रीय मॉडल है जिसे मैं सबसे बढ़िया और बेहतर मानता हूँ, वो है ये शिवलोक वाला। शिवलोक में क्या देखिए आप, वहां पर ना तो जहां पर हम शिव को स्थापित करते हैं वो तो वहां तो कुछ भी पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि वहां ना तो भूख का कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही कोई भय का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां पे सिंह है तो साथ में बैल भी है, अगर सांप है तो मोर भी है, और देवता है तो दूसरे राक्षस गण भी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से इकोनॉमिक्स की बात शुरू होती है, इकोनॉमिक इंक्वायरी शुरू होती है। तो ये तीन मॉडल्स को भी आप लोग ध्यान में रखें ताकि हम अर्थायाम की बात को ठीक से समझें। तो कुल मिलाकर के जो मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिस्ट प्लस इकोनॉमिक्स, जिसको आप अगर आप ब्रैकेट में कर दें, वन लिविंग अर्थ डिवाइडेड बाय 7.5 बिलियन पीपल इज इक्वल टू इकोनॉमी। तो टोटल इकोनॉमी को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि इकोनॉमिस्ट पूरी कोशिश करके अपने इकोनॉमिक माध्यम के द्वारा 7.5 बिलियन लोगों के लिए जो है वो एक तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम उनके लिए सब सुख सुविधाएं इकट्ठी करते हैं। लेकिन उस इकोनॉमी से क्या वेलबिंग हो रहा है? और जैसे कि मैंने शुरू में भी प्रश्न उठाया कि हॉस्पिटल से लेकर के वॉर के बीच में सारी की सारी इकोनॉमी है, और आप उधर महाभारत में देखें वो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को पूरी तरह से, अर्थ से पुरुषो दास अर्थो दास न कस्यचित, कि पुरुष जो है वो अर्थ का दास तो होता है लेकिन अर्थ पैसा कभी किसी का दास नहीं होता है। तो इसलिए हम तीन प्रश्न और ले लेते हैं जिसकी हम प्रयास करेंगे अर्थायाम के माध्यम से समझने के लिए, अर्थायाम के कॉन्सेप्ट के। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट, व्हाट डू वी वांट टू सस्टेन, फॉर हूम एंड फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाट डज अवर इकोनॉमिक थिंकिंग हैव टू डू विद अवर करंट रियलिटी एंड अवर एबिलिटी टू अचीव। तो कुल मिलाकर के ये तीन प्रश्न बेसिक रहेंगे। एक छोटी सी बात और समझ करके आगे चलते हैं, और उसके मैं बुला रहा हूँ, आमंत्रित करूंगा मुख्य वक्ता को। भोग और प्रभुता की अवधारणा ये आपको संस्कृत शास्त्र में विशेष रूप से देखने को मिलेगी। भोग का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने इकट्ठे कर लिए, भोग का मतलब है कि अपने लिए अधिक से अधिक चीजों को इकट्ठे करते जाना, और प्रभुता का मतलब है कि मैं जब अपने पास चीजों को इकट्ठा कर लूं तो दूसरे को एक जेलिसी की
भावना देना, दूसरे को एक कंपटीशन की भावना देना कि अब तुम भी इसके लिए प्रयास करो। तो ये जो आसुरी वृत्ति है भोग और प्रभुता देवताओं और असुरों में, ये रही है जिसकी वजह से ही वो द द द का उपदेश दिया गया था, दान दया और दमन। लेकिन ये भोग और प्रभुता जो है वो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स को परिभाषित करती है। तो इसलिए हमने आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है कि इन सारे विषयों के विभिन्न आयामों पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी को, जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोफेसर रहे हैं अंग्रेजी के, और फॉर्मर कोऑर्डिनेटर रहे हैं नेशनल विंटर स्कूल ऑफ अर्थायांग IIAS शिमला से, और इसके अतिरिक्त उनके जो व्यापक दृष्टि है और सूक्ष्म उनकी जो वैचारिकता है वो हमारे लिए बड़ी लाभप्रद होगी कि हम ये समझ पाएंगे कि इस सारे विषय को जो इकोनॉमिक्स को लेकर के हैं उनको हम कैसे देखें और समझें। तो इसलिए हमें देखना क्या है कि इस टोटल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बीच में ह्यूमैनिटी नीड्स सेंसिबल इकोनॉमिक्स एंड इंटेलिजेंट इकोनॉमी, और उसी को हमें उसको भी तीन प्रकार से देखना होगा। वो कौन कौन से हैं, एज ए डूअर, इकोनॉमिस्ट एज ए डूअर क्या कर रहे, एज एन एंजॉयर वो क्या करे, और एज ए नोअर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कैसे वो सेंसिबली उस सारे को हैंडल वो करना चाहता है। और संस्कृत के पक्ष से मैं ये भी जानता हूँ, निश्चित रूप से इस बात को जानता हूँ कि इस वक्त की जो इकोनॉमी है उसकी तीन कॉन्ट्राडिक्शंस, उसमें तीन प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं। एक तो जो फाउंडेशनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जैसे कि शुरू में हमने देखे हैं हॉस्पिटल से लेकर के और वहां तक कि इकोनॉमी को इधर से संभालते हैं तो उधर से छोटा पड़ता है, दूसरी मूविंग कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और तीसरी डेंजरस कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। मैं इससे विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन इन सारी कॉन्ट्राडिक्शंस के विषय में भी हम लोग परिचित हैं, और इसीलिए आज हमने मुख्य वक्ता से निवेदन किया है कि वो हमें अर्थायाम के आधार पर एक ऐसे स्ट्रेटजी बताएं जो कि पोटेंट भी हो, सक्षम हो, और वो सफल भी हो। तो इस सारे विषय के ऊपर विचार करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी को कि वो हमें अपने विचारों से हमारी दृष्टि का उद्बोधन करें, उसका विस्तार करें, और हमें देखने के योग्य बनाएं कि इस सारी इकोनॉमी की जो अंतरधाराएं हैं उन अंतरधाराओं को कैसे देखा और समझा जाए, और हम अपने विषय को लेकर के अपनी परंपरा, अपनी अवधारणाओं, अपनी परिभाषाओं के आधार पर इकोनॉमी को क्या हम परिभाषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी। सर नमस्कार आशुतोष भाई, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रारंभ में ही इस आंगिरस कुल के इस नए प्रकल्प का, और जो अग्निधर्मा आंगिरस कुल है मैं उससे जुड़ा रहा हूँ किसी न किसी प्रकार से, और मेरी जो शिक्षा दीक्षा या जो संस्कार हैं ज्ञान के उनमें प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस और अर्थशास्त्र के, एक इकोनॉमिक्स के नहीं, जो अभी भी हम गलती कर रहे हैं, मैं कोई भी भाषण इकोनॉमिक्स पे नहीं दूंगा, ना मेरी क्षमता है ना मेरी, और ये और मैं ये सिद्ध करूंगा कि जो आपकी लगातार भयंकर भूल हो रही है जो 1947 के बाद से, कि आप कहते तो हैं कि हम अर्थशास्त्र पर चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा इकोनॉमिक्स की करते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे चौक और चीज को मिलाकर और आप संस्कृत का मुलम्मा पहनाकर आप भारतीय जनता को अब भी भ्रमित करना चाहते हैं कि लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट्स एंड द इकोनॉमिक डिस्कोर्स थ्रू अर्थायाम, थ्रू अर्थ दर्शन, थ्रू अर्थ चिंतन। इससे बड़ा भ्रम उत्पन्न करने की जो स्थिति है उसके लिए राजसत्ताएं जिम्मेदार हैं, और उसमें मैं खुद जिम्मेवार हूं। मैं से मतलब है इस भारत की समस्त शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आशुतोष भी हैं, रमाकांत अंगिरस जी भी हैं, जिसमें भारत के सारे शिक्षा शास्त्री हैं। यह जो अनूदित संस्कृति की परंपरा है कि शब्द आप अपने परंपरा का लेते हैं अर्थ शास्त्र, और अर्थ आरोपित करते हैं इकोनॉमिक्स के। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यह मेरा मूल संकेत। समय बहुत कम है इसलिए मैं कुछ अपराध
जो मेरे होंगे और जो अपराध बोध है वो आपको व्यक्त कर रहा हूं। मैं इस व्याख्यान के लिए सर्वाधिक अपात्र और कुपात्र व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं कोई ट्रेनिंग से, जैसे आपने इकोनॉमिस्ट्स कहा, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, न मैं इकोनॉमिक थिंकर हूं और न मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, और शायद इसी बात को जानते हुए आपने मुझे शायद बुलाया, आग्रह किया। मैं अर्थ का विद्यार्थी हूं, मैं अर्थ का शोधक हूं, और अर्थ का अर्थ क्या है सिर्फ यही बात एक बताऊंगा और कोई भी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जहां मूल से ही आप भटक गए, आप बात कर रहे हैं गरीबी की, अमीरी की, ये सब व्यापार की, जब आप उसको इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लाते हैं, भूल जाइए कि आपको इसका कोई भी, इसके समाधानों का कोई भी शाश्वत समाधान मिलेगा, आपको तात्कालिक समाधान मिलेंगे, और आप उस इकोनॉमिक डिस्कोर्स के एक आनुषंगिक अंग बन जाएंगे जो हमारे ऊपर किसी सुविचारित बौद्धिक षड्यंत्र, सामाजिक और सांस्कृतिक और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के अंतर्गत हमारे चित्त और बुद्धि पर ग्राफ्टेड है, जो जिसका के हमारे ऊपर आरोपण किया गया है। तो आप एक अध्यास से निकलकर दूसरे अध्यास में जाएंगे, इसके अलावा आपकी कोई नियति नहीं है, क्योंकि जो देश जो राष्ट्र अपनी भाषा में ही नहीं बात करना चाहता, जो अपनी भाषा के प्रत्ययों को अंग्रेजी के अर्थों को आरोपित करके उनको पर्याय और समेकित करता हुआ अपनी बात रखना चाहता है, वह इस विश्व में जो आज की स्थिति है उसमें, जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें ना अर्थ शौच होगा, अर्थ की शुचिता, क्योंकि आपका अर्थ कहां है उसमें, अर्थ तो आपने आरोपित कर रखे हैं, व्याख्या आप भारत के समाज की कर रहे हैं, या आप इवन जो सारा संसार है हमारे सामने उसके अर्थ की चिंता कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो विमर्श है वह इकोनॉमिक्स का है। अब यहां पर मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, तो मैं पहले बता रहा हूं कि इन सारी चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है आशुतोष जी, आप 1000 वार्ताओं की कड़ी कर लें, जब तक सबसे पहला, और मैं उस समिति का सदस्य था केंद्रीय सरकार की, जब ये शिक्षा नीति बन रही थी, भाषा नीति बन रही थी, तो हमने कहा, हमारी समिति ने कहा, जिसमें 20 भारत के सबसे बड़े सबसे मुख्य विद्वान थे, कि भारत की समस्त ज्ञान परंपरा को, ज्ञान समृद्धि को भारत की परस्पर भाषाओं में अनुदित कराइए बिना अंग्रेजी की मध्यस्थता के। आशुतोष जी, अगर आप संस्कृत शास्त्रीय चर्चा ही करते रहे, आशुतोष जी, यह आपका इत होगा, यही अंत होगा, क्यों, हमें संस्कृत शास्त्रीय चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि संस्कृत के माध्यम से भारत की समस्त जो 22 महान भाषाएं हैं उनमें जो ज्ञान की संपदा है, जिसका स्रोत संस्कृत है, उसमें परस्पर क्या आपने वार्तालाप होने दिया अर्थ का? और मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि जिन भाषाओं को आपने द्रविण भाषा कहा उनमें इतना तार्किक तात्विक अर्थ चिंतन है, जो सीधा का सीधा ऋग्वेद से, आपकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, शुक्र नीति से, और याज्ञवल्क्य की स्मृति से लेकर वो प्रवाहित होता है तिरुवल्लुवार में, कंब रामायण में, मणिमेखले में, सिलपद्यकरम में, मानसोल्लास में। लेकिन आपने तो मॉडल ही, आपने इकोनॉमिक मॉडल है आपके डिस्कोर्स का, योर डिस्कोर्स डिराइव्स फ्रॉम द वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजिकल, उसकी जो तत्व मीमांसा ही आपने इकोनॉमिक्स की रखी हुई है। आप कभी भी यह जो अंतः संचरण है, यह जो अर्थों का अंतः संचरण है, यह जो आर्थिकी है भारत की, ध्यान रहे, पहले तो मैं आपको अर्थ के शब्द बताऊंगा कि कैसे तमिल में एक ग्रंथ तिरुवल्लुवार का तिरुकुराल आता है, उसमें सबसे बड़ा जो भाग है वह है अर्थ का, सबसे उसमें धर्म सबसे पहला चैप्टर है, आराम, उसके बाद पोरुल, दैट इज अर्थ, और तृतीय जो सबसे छोटा है वो है काम, दैट इज इनबम, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन तीनों पुरुषार्थों को समेकित करके वीडू, मोक्ष की ओर, ध्यान रहे 6th century BC से लेकर 3rd century AD तक उसका समय है। मुझे बताइए पश्चिम में किसी इस
अभी मैंने ऋग्वेद को तो टच ही नहीं किया है जिसमें कितनी बार अर्थ की चर्चा हुई है, अभी अथर्ववेद को स्पर्श भी नहीं किया है जिसमें कि भूमि सूक्त, अकेला भूमि सूक्त सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को नहीं। ये फिर मूल अंतर में आपको बता, ये उसी प्रकार जैसे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जब एक नास्तिक अनीश्वरवादी अमर्त्य सेन ने लिखा, हमारे साथ आचार्य वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, मैं कभी अभी हम लोग उनसे बात कर रहे थे कि लॉ, जस्टिस, पॉलिसी, ड्यूटी, राइट, राइचसनेस, एथिक्स, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, एसेंस, पनिशमेंट, कैरेक्टर, इन सब के लिए एक शब्द अमर्त्य सेन ने कहा, एक ही विमर्श, और वो विमर्श क्या था? धर्म। He said that there is only one term that encapsulates, उस एक ही प्रत्यय की अवधारणात्मक व्याख्या में सारे विश्व, सारे लोक का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक शब्द का जो चमत्कार है। लेकिन आपके यहां कोई ऐसा ज्यूरिस्ट है आज तक हुआ जो धर्मविद हो? मुझे इस बात का, आपके यहां अर्थविद ही नहीं हुआ, इकोनॉमिस्ट से, किसी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे? यू कैन टॉक टू एन नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट, माफ करना, आप संस्कृत वाले संस्कृत की वर्चस्व बनाए रखिए और कमरे और कोठरी में इसी प्रकार की वार्ताएं करवाते रहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है, मुझे पुनः पुनः क्षमा याचना के साथ। जब तक आप इस अर्थ संचरण को जो कश्मीर में मिलता है शैविज्म का, वही त्रिवेंद्रम में क्यों मिलता है? उसका एक पाठ त्रिवेंद्रम में क्यों मिलता है? क्यों महाभारत का एक उत्तर पाठ है और एक दक्षिण पाठ है जिसमें न्यूनतम भेद है? अर्थ संचरण है। और जब तक इस अर्थ के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे तब तक अर्थ को परमार्थ से ले जाने की प्रक्रिया तो आपकी इनकंप्लीट रहेगी, वो तो व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ। देखिए पूरे विश्व की भाषा समुदाय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे शब्द नहीं है, धर्म जैसा शब्द तो है ही नहीं, अर्थ जैसा शब्द भी नहीं है, प्रत्यय नहीं है। मैं आपको कुछ संकेत दे रहा हूं, हिंदू रेट ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, राजकृष्ण एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्होंने 1978 में ये कहा कि इनके हिंदुओं की इकोनॉमिक थिंकिंग, इकोनॉमिक थिंकिंग कुछ नहीं है, ध्यान रहे, ये जितने अंग्रेजी दा प्रभुत्वशाली बुद्धिजीवी हैं भारत के, खासतौर से वामपंथी और इवन ये जो आपके दक्षिण पंथी सो कॉल्ड ये जो आपके आजकल जो सत्ता में है, इन लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए थी आचार्यों से कि अर्थ का दर्शन क्या है, अर्थ का अर्थ क्या है। लेकिन वो नहीं हुआ, उसके लिए यदा मैं आपको, पश्चिम में भी इस प्रकार के अर्थ के दर्शन हैं लेकिन वो काउंटर इकोनॉमिक डिस्कोर्सेज हैं आशुतोष जी, समझ में आया ना, और काउंटर इकोनॉमिक डिस्कोर्सेज को मेनस्ट्रीम इकोनॉमिक डिस्कोर्स में रखा नहीं गया, जैसे कि ज्यूरिसप्रूडेंस में कभी भी धर्म को नहीं रखा गया, है ना, जैसे ज्यूरिसप्रूडेंस में धर्म को नहीं रखा गया, पुरुषार्थ मॉडल है ही नहीं भारत की ज्ञान परंपरा में, पुरुषार्थ का अर्थ नहीं बताया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे मणिमेखले ले, सीलपद्य करम ले लीजिए, मानसोल्लास ले लीजिए, है ना, चाहे आप तिरुक्कुराल ले लीजिए जो कि महान भारत की जो प्रचुर जो बौद्धिक संपदा है जिसमें अर्थ चिंतन है, धर्म चिंतन है, काम चिंतन है और मोक्ष चिंतन है, इसलिए भारत में काम शास्त्र भी धर्म और मोक्ष की कामना से शुरू होता है, भारत में अर्थशास्त्र भी धर्म और काम और मोक्ष की कामना के साथ शुरू होता है, जो आपने स्वयं लिख दिया है, सुखस्य मूलम और धर्मस्य मूलम अर्थ और अर्थस्य मूलम राज्य, राज्य तो बहुत बाद में आता है। इसलिए ये ध्यान रहे कि किस प्रकार से आपने एक पूरी एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जिसमें कि सिर्फ बात ये होनी है कि पश्चिम के डिस्कोर्स ही हमारे यहां डिस्कोर्स का मॉडल है और अतः इसलिए चर्चा करें। जब पश्चिम की तरीके का कोई इकोनॉमिक चिंतन भारत में नहीं हुआ है, भारत की जो शास्त्रीय परंपरा है, और ध्यान रहे शास्त्र और लोक का द्वंद्व भी नहीं है,
आप घाघ की कहावतों को सीधा भूमि सूक्त से जोड़ सकते हैं। घाघ की कहावतें, घाघ कहे सुन भड्डरी, घाघ की कहावतें हम बचपन में बड़े हुए हैं उनके दोहे सुन के, है ना। लेकिन आपको तो शास्त्रीय चर्चा करनी है और शास्त्र के नाम पर आपका शास्त्र पूरा इसी बात पर केंद्रित है कि पश्चिम में जो इकोनॉमिक डिस्कोर्स है वही इकोनॉमिक डिस्कोर्स हमारे यहाँ है या हमारे यहाँ उससे बेहतर इकोनॉमिक डिस्कोर्स है, लेकिन है इकोनॉमिक डिस्कोर्स। मेरा यहाँ मूलतः भेद है और यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की, जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा ये जो भाषाओं में परस्पर अनुवाद के माध्यम से भारत की विपुल ज्ञान संपदा, जिसमें अर्थायाम, धर्मायाम, मोक्षायाम और कामायाम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो विपुल संपदा है, जिसमें ज्ञान विज्ञान, परा अपरा, विद्या अविद्या, ध्यान रहे, ये बहुत कहा गया कि भारत परलोक परक है। परलोक मीन्स अदरवर्ल्डली है, भारत ट्रांसेंडेंटल है, भारत मिस्टिक है। इसलिए यहां अर्थ की मटेरियल इंपीरिकल कोई अवधारणा नहीं हो सकती, ये कहा जाता है ना कि इट्स अदरवर्ल्डली, इंडिया इज प्राइमरली ए मिस्टिकल लैंड। ओरिएंटलिस्ट्स का, इंडोलॉजिस्ट का, मार्क्स का अवधारणा देखिए, जो वहां का, वहां के अर्थ के केंद्र में खड़ा हुआ है, उसने कहा यह बर्बर लोगों का देश है, इसमें असभ्य, गंवार, बिना पढ़े लिखे ऐसे बर्बर लोग हैं जिनकी ना ज्ञान की परंपरा है, जिनके पास इतिहास नहीं है, जिनके पास संस्कृति नहीं है। मार्क्स 1853, वो आपके इकोनॉमिक डिस्कोर्स के केंद्र में खड़े हैं, वही लोग, वही विमर्श केंद्र में है आपके, कि हम उस तरीके के अगर हो जाएंगे तो हम प्रोग्रेसिव होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, डेवलप्ड होंगे और हम विश्व में एक अपनी सशक्त इकोनॉमी का एक एक अपना छाप छोड़ सकेंगे। यू वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल इकोनॉमी, यू वॉन्ट टू बी ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, ना आप अर्थ से बात कर रहे हैं, ना आप आर्थिक हैं, ना भारत का यह अर्थ है और न है अर्थ का भारत है। भारत का अर्थ और अर्थ का भारत, ये दोनों एक ही बात है। देयर इज नो possibility of talking of an economically empowered India. There is only a possibility of the dharmic in Bharat. Dharmic Bharat. Dharmic Bharat hi arthik Bharat hoga. Arthik Bharat hi dharmic Bharat hoga. ये बहुत बड़ी एक, ये सूक्ष्म बात नहीं है, ये बड़ी स्थूल बात है, लेकिन इस स्थूल बात को भी बड़े सुनियोजित प्रकार से टेक्स्ट बुक से गायब किया गया। तो पहले मैं थोड़ा आपको अर्थशास्त्र के बारे में कुछ दो एक बातें बता दूं। इकोनॉमिक्स की माध्यम जो आपने टर्म चूज किया है कि यह तो इकोनॉमिक्स है, ध्यान रहे पश्चिम में इकोनॉमिक्स का अर्थ, इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेड, 18वीं शताब्दी से पहले इस प्रकार का कोई भी अर्थ इकोनॉमिक्स का नहीं था। ये बड़ी विचित्र बात है, 18वीं सदी से पहले इकोनॉमिक्स का उनकी जो व्युत्पत्ति है वो यह था, टू मैनेज योर डोमेस्टिक स्पेस, ओइकोनोमोस, ओइकोस, ओइकोस मींस डोमेस्टिक, नोमोस साइंस। सो ओइकोनॉमी, वो जो इकोनॉमी आप कहते हैं, यह तो 18वीं शताब्दी से हुआ है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक यह शब्द व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए और मटेरियल एम्पावरमेंट के लिए प्रयुक्त होने लगे। इससे पहले तो यह वहां की जब ज्ञान, यूरोप की जो इनलाइटनमेंट पीरियड है, यूरोप का जो ज्ञान वर्धन का समय है 18वीं शताब्दी, और ध्यान रहे उनकी ज्ञान भी धर्म सेंट्रिक नहीं है, उनका अर्थ भी ज्ञान धर्म सेंट्रिक नहीं है। 18वीं शताब्दी में यह ज्ञान की संवेदना और संज्ञान उन्हें क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि 18वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप, सॉरी एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और न्यूजीलैंड, इन सारी सभ्यताओं का वो विनाश कर रहे थे और भारत को छोड़कर अन्य सभ्यताओं को उन्होंने जाति संहार, जेनोसाइड के माध्यम से समाप्त कर दिया था। उनकी भाषाएं गई, उनकी संस्कृति गई, उनके अर्थ गए, आशुतोष जी, उनके अर्थों का अपहरण हुआ, उनकी सांस्कृतिक अस्मिताओं का अपहरण हुआ।
अंग्रेजी ने की जो हिंसा है उसके लिए किताब पुस्तकें छपी हैं, द मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, गौरी विश्वनाथन कि द लाई ऑफ द लैंड, राजेश्वरी सुंदर राजन, किस प्रकार से सुनियोजित प्रकार से एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म, कि उन्होंने ये सिद्ध किया है आंकड़े देकर कि किस प्रकार से एक प्रकार की इकोनॉमिक डिस्कोर्स नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स बनता है और वही नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स इंपीरियलिस्टिक डिस्कोर्स बनता है, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। जिस इकोनॉमिक डिस्कोर्स की बात आप कर रहे हैं उसकी उसकी जो जड़ें हैं वह इतनी बड़ी जाति हिंसा जेनोसाइड में धसी हुई हैं, और जब वहां आप जाते हैं तो माया इंकास और ये जो सभ्यताएं हैं, जितनी सभ्यताएं थी वहां आज तक थे वो कहां गए? लैटिन अमेरिका थोड़ी था साउथ अमेरिका, उसकी सभ्यताएं कहां गई, उनकी बोलियां कहां गई, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके आर्थिक विचारों का क्या हुआ, है ना? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के उन एबोरिजिनीज कह दिया गया उनको, उनकी आर्थिक विचार का क्या हुआ, उनकी भाषाओं का क्या हुआ, सभ्यताओं का क्या हुआ? यह कोई अकेला गरीबी अमीरी वाला प्रश्न नहीं है, भूल जाइए, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं। भारत में तथ्य परक नहीं है विमर्श आशुतोष जी, भारत में तत्व परक है। अंग्रेजी के माध्यम से आप सिर्फ तथ्य परक से तथ्य परक होते जाएंगे, क्योंकि फ्रेगमेंट का डिस्कोर्स होता है। पश्चिम का जो मुख्य विमर्श का जो वर्चस्व है वह इसलिए कि वह आपको तथ्यों के संसार में छोड़ता है, और विशिष्ट से विशिष्ट प्रकार के तथ्य। इसलिए 19वीं शताब्दी में जब इस प्रकार के ज्ञान के मॉडल का विरोध हुआ, ध्यान रहे उसमें लेव तोल्स्टॉय थे, उसमें रस्किन थे, है ना, और भी बहुत थे, नीत्शे तक ने नकार दिया। नीत्शे ने जब उस सारे मॉडल को नकारा और कहा कि तुमने उस सारी सभ्यता के उस गॉड को जाकर और तुमने फांसी दे दी चौराहे पर, इस कौन से चौराहे, मार्केट के चौराहे पे, एक एक बाजार के चौराहे पर तुमने अपने परमात्मा को फांसी दी, नीत्शे ने कहा। और नीत्शे ने कहा कि इफ आई वर टू हैव माय वे, अगर मुझे इस विश्व को दोबारा बनाना पड़े आशुतोष, तो उसने कहा कि मैं मुझे सिर्फ एक पुस्तक चाहिए। ध्यान है तुम्हें उस पुस्तक का नाम, जिसको आपने, जिसका हम और आप आज जिक्र भी नहीं करते, क्योंकि पश्चिम और मार्क्सवादियों और दलितों ने उसको मनुवादी पुस्तक कहा गया, मनुस्मृति। बिल्कुल। तो ये जो भय और जो राजनीतिक सहीपन है, इस प्रकार की वार्ताएं आप करते रहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी फिर इयत्ता क्या है, आपकी सिग्निफिकेंस क्या है आशुतोष जी? लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक के भारत की भाषाओं में अर्थ संचरण नहीं होगा, परस्पर अनुवाद बिना अंग्रेजी की मध्यस्थता। भटकेंगे आप और भटक भटक के भटकाएंगे आप उन सारे विद्यार्थियों को। इसलिए मैंने कहा, और उस अपराध में मैं, रमाकांत जी, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारे पांडे जी थे, कभी पांडे जी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आने दिया, बताइए आशुतोष जी? किसने नहीं आने दिया, इसी तंत्र ने नहीं आने दिया। ध्यान रहे, अब मैकॉले को और हेस्टिंग्स को अपराधी कहना छोड़िए, अपराध बोध स्वयं लेना होगा, उसके हम सब उत्तरदायी हैं कि हमने अपने अर्थों को कितने सुनियोजित तरीके से उनकी हत्याएं की, हमने उनका जाति संहार किया, हमने उनका सांस्कृतिक संहार किया। अब आइए, तो पहले मैंने आपको बताया कि क्या इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, क्योंकि ये शब्द इतना ओछा और इतना नया है, इसे तो अभी अपने अर्थ ग्रहण करने हैं, नहीं तो ये कभी कहेगा लेट अस बी मोर एसडीजी ओरिएंटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होना, कभी ग्रीन इकोनॉमी कहेंगे ये, कभी कहेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमी, एक उपाधि से दूसरी उपाधि, एक एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव लेकर फिर दूसरा। So they want to prove that they are holistic, they are ethical, they mean business, and they are for the good of this whole planet. ध्यान रहे, जिसे आप planet Earth कहते हैं, ये और मैं आपको बताऊं, Earth नाम का कोई भी संज्ञा planet के लिए, ये और note करिए इस बात को, कि जिसे आप Earth कहते हैं, उसका मूल अर्थ Oxford English Dictionary में देखिए, soil, dirt, soil, dirt, है ना? और इसका प्लेनेट के लिए पहला प्रयोग 18वीं शताब्दी में हुआ,
जब से मैप मेकिंग हुआ, और ध्यान रहे जब मैप मेकिंग हुआ, मैप में सबसे बड़ा यूरोप को डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज दिखाया गया, ये ध्यान रहे आपको, भारत को डिस्प्रोपोर्शनेटली स्मॉल दिखाया गया। द कार्टोग्राफिक इमेजिनेशन वॉज फॉलोइंग द इकोनॉमिक इमेजिनेशन, ध्यान रहे। अरे वही तो साम्राज्यवाद था, वही तो उपनिवेशवाद था, उससे आपके जब इम्पेरिशेबल एम्पायर, एक कभी न नष्ट होने वाला साम्राज्य जब आशुतोष के मन मस्तिष्क और चित्त पर ही दर्ज करा दिया गया, जब मेरा बच्चा पंजाबी और हिंदी मीडियम के स्कूल में शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता चंडीगढ़ में, उसके लिए बाध्यता है कि वह अंग्रेजी मीडियम में जाए, और तभी सफल हो, क्योंकि पंजाबी और हिंदी मीडियम का कोई भी वेटेज किसी भी केंद्रीय सरकार की ना नौकरी में है ना प्राइवेट सेक्टर में। तो आप किस अर्थायाम की बात करते हैं, आप किस अर्थायाम, किस अर्थ की चर्चा की बात करें। अब आइए, अब भारत में देखिए, मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी और अर्थ इसमें कोई मेल नहीं है, इनके अर्थ की हम कहते हैं, अर्थ अर्थ के कितने प्रकार के अर्थ हैं, कम से कम 55 प्रकार के अर्थ हैं, अर्थ के कम से कम बता रहा हूं, इनकी रेंज अगर उससे आप उससे लगने वाले जिसे आप सफिक्स और प्रीफिक्स करते हैं अगर वो आप कर लेंगे तब तो आप हजारों की संख्या में पहुंच जाएंगे, ये ध्यान रहे। इसलिए अर्थ अकेला एक ऐसा शब्द है, अर्थ जिसका के अर्थ देखिए आप, प्रार्थना करना, याचना करना, अनुरोध करना, मांगना, व्यापार करना, व्यापार से संबंधित होना, आप देखिए कार्य करना, सार्थक होना, अभिप्राय होना, वस्तु विषय पदार्थ लक्ष्य उद्देश्य, और ये अर्थ कहां से आ रहे हैं, ऋग्वेद से, और ऋग्वेद से लेकर भागवत, आप भागवत पुराण तक अगर आप आएंगे तो आपको अर्थ का प्रयोग, उपयोग, हित, लाभ, भलाई, ये अर्थ अर्थ का, जिसका एक अर्थ है सिमेंटिक, एक अर्थ है जिसे आप कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल जीवन का अर्थ क्या है, भाषा से शब्द का अर्थ क्या है, और एक अर्थ इस संपूर्ण जीवन के प्रयोजन, उसका उद्देश्य, उसका हित, उसकी भलाई, इसमें संपन्न होने वाले संपूर्ण कार्य, उनके उनके विषय। इसलिए ये ध्यान रहे इस अर्थ के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, तीनों प्रकार के अर्थों का अनुसंधान करना पड़ेगा। क्या इकोनॉमी में यह संभव है, इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक में आप एथिक्स धर्म कैसे लाएंगे, आप धर्म नहीं ला सकते, इकोनॉमी में आप काम नहीं ला सकते, इकोनॉमी में आप मोक्ष नहीं ला सकते, इकोनॉमी में आप कल्याण नहीं ला सकते, यूटिलिटेरियन लॉजिक है, जैसे लिटरेचर इज ए यूटिलिटेरियन मैकेनिकल डिस्कोर्स, साहित्य इज एन इंटीग्रल डिस्कोर्स। तो अर्थ का जो कल्याण परक मॉडल, कल्याण केंद्रित मॉडल है, जो धर्म केंद्रित मॉडल है, जो धर्म केंद्रित स्वरूप है, जिसके बिना कोई भी अर्थ और कोई भी धर्म, अर्थ और काम यदि धर्म केंद्रित नहीं है तो इनसे मोक्ष तो छोड़िए, आपके समाज का केवल विनाश ही संभव है। इसलिए कौटिल्य, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। अर्थशास्त्र, ध्यान रहे, 4th century BC तक क्या कोई पश्चिम का एक ग्रंथ बताइए जिसमें अर्थशास्त्र की चर्चा हुई हो। आप अथर्ववेद का भूमि सूक्त देखिए, वो एक मॉडल है हमारा कि कैसे आपके सारे पंच महाभूतों को साथ में रखते हुए, पंच महाभूतों को आपकी, जिसमें चराचर जो जगत है, जिसमें लिविंग नॉन लिविंग और जिसको आप कहते हैं जड़ और चेतन, ये सृष्टि के संपूर्ण अंगों के साथ जिस पृथ्वी पर आप खड़े हैं, उस पृथ्वी पर जब तक के आप देखिए जरा उसका पहला श्लोक देखिए, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम
सत्य की अवधारणा नहीं है, सत्य का धारण नहीं करते, रित का धारण नहीं करते, दीक्षा तपो, दीक्षा नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपको, दीक्षा वो दीक्षांत ही था जिसमें उन्होंने कहा धर्मात न प्रमितव्यम, सत्यात न प्रमितव्यम, सत्यम वद धर्मम चर, वो दीक्षा है। सत्यम बृहद, जहां हमें ग्रेट ट्रुथ हो, सत्यम बृहद ऋतम मुग्रम, एक कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक जस्टिस है, न केवल लोकल जस्टिस, लेकिन सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा, फिर तप है। अगर तप नहीं है, अगर आप में ऑस्टेरिटी सफरिंग और किसी भी कमिटमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, अगर तप नहीं है, ब्रह्म यज्ञ, जो आप यज्ञ की बात कर रहे थे, ब्रह्म की अवधारणा, द वननेस, द इंटीग्रल होलनेस, पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण में वावशिष्य थे, ब्रह्म की अवधारणा, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा अग्रद कस्वधनम, ये जो त्यक्तेन तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये जो त्याग के साथ भोग की अवधारणा है, यह है अवधारणा, यह ब्रह्म की अवधारणा पर आधारित है, इसी से यज्ञ की अवधारणा है। यज्ञ में आप उस सुप्रीम रियलिटी, वो जो सुप्रीम रियलिटी, जो सुप्रीम ट्रुथ, आपने कहा कि यह परमार्थ है, उसी की साधना करते हैं। तो यज्ञ और ब्रह्म ये साथ साथ बताए गए हैं, किसमें? पृथ्वी सूक्त में, ध्यान रहे, भागवत पुराण में आशुतोष, वह कथा है, बहुत मार्मिक कथा है, कि कैसे पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी नाम पड़ा, कैसे पृथु और उसके नागरिकों के अनाचार दुराचार की वजह के कारण पृथ्वी आतंकित हो गई, ये जो धरा थी धरती, और आतंकित होकर उसने कहा कि मैं तो अब जा रही हूं, मैं तो डूब जाऊंगी समुद्र में, या मैं अपने को नष्ट कर लूंगी। भागे भागे वो गए ब्रह्मा के पास, कौन? पृथु। और पृथु ने कहा कि महाराज, ये तो पृथ्वी जा रही है, ये जो धरती जा रही है। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पुत्रों ने, तुम्हारी प्रजा ने इतना अत्याचार किया है। ध्यान रहे, तब पृथु और पृथ्वी के, जिसे पृथ्वी कहा गया, धरती के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है, और वो समझौता यह है कि तुम मुझे जितना मुझसे लोगे, उससे अधिक मुझे दोगे भी, तब मैं तुम्हारे और तुम्हारी संतति को धेनु की तरह, मैं तुम मुझे दो। समझ में आया ना, कितनी बड़ी बात है कि पृथ्वी सूक्त में दो क्रियाएं, एक तो दोहना और एक धेनुवत, कि वह पृथ्वी आपकी धेनु है, लेकिन वो किस प्रकार से, तो वह आपको जैसे बताया कि सत्य रित दीक्षा तप ब्रह्म और यज्ञ, पूरा लोक संग्रही कर्म आपका यज्ञ है, भगवद गीता के अनुसार से अगर आप देखें, आपका यज्ञ आपके लोक संग्रह परक जो कर्म है, जो, और उसमें भी अगर निष्काम कर्म है, वही आपका यज्ञ है। इसलिए अन्न की परिकल्पना भी हमारे यहां, अगर आप भारतीय अर्थायाम की दृष्टि से, अर्थायाम शब्द का प्रयोग दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था, ध्यान रहे, मुझे यह सौभाग्य था कि वहां कर डायरेक्टर IIS शिमला के आचार्य चमनलाल जी गुप्त थे, एक बार मॉल पे टहल रहे थे, और उन्होंने दीनदयाल चर्चा जी के उपाध्याय पे बहुत चर्चा की, बहुत बड़े विद्वान है उसके, उन्होंने कहा सुधीर, उन्होंने कहा कि अर्थ का प्रभाव और अर्थ का अभाव, ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, अकल्याणकारी होती हैं। दीनदयाल जी ने कहा कि अर्थ का धर्म से और धर्म का मोक्ष से, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारी चारों पुरुषार्थ मिलकर ही एकात्म मानव दर्शन, जिसे एकात्म जीवन दर्शन मैं कहता हूं, वह एकात्म जीवन दर्शन तभी हो सकता है, तभी शाश्वत अर्थव्यवस्था हो सकती है, सनातन अर्थव्यवस्था हो सकती है। क्या इस पर कोई चर्चा संभव है? मैंने 2 दिन में उनके पास एक अपना प्रकल्प भेजा, और 15 दिन आप ऋग्वेद से लेकर और इला भट्ट का अनुबंध, ध्यान रहे उनकी अर्थशास्त्र की किताब है जिसका नाम है अनुबंध, अभी 4-5 साल पहले लिखी,
अनुबंध तक की चर्चा मैंने कराई, उसका एक स्टडी मटेरियल मैंने तैयार किया जिसमें कि दत्तों पर जिनकी कभी चर्चा नहीं होती थी, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दत्तोपन ठेंगड़ी, है ना, और अपने धर्मपाल जी, है ना, जिन विनोबा भावे, गांधी, जिनके श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, है ना, सारी स्मृतियों की, स्मृतियों में याज्ञवल की स्मृति में, शुक्र नीति में, है ना, नारद स्मृति में, मनुस्मृति में, इन स्मृतियों में और पुराणों में और महाकाव्यों में कि रामायण की अर्थ की क्या है, महाभारत की अर्थ की क्या है, शांति पर्व पर, अनुशासन पर्व पर, उद्योग पर्व पर, विदुर नीति पर, वह एक 15 दिन का जो सत्संग हुआ IIES के, उस पूरे मार्क्सवादी, वामपंथी, लिबरल, उस अवधारणात्मक जो डॉगमेटिज्म है उसके, उससे उससे आच्छादित वह संस्थान था, उसमें 15 दिन तक वो चर्चा हुई। मुझे बताइए भारत की किसी विश्वविद्यालय में यह संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हम वी आर अफ्रेड, हम अपने को डिकोलोनाइज नहीं करना चाहते, हम अपने को डिक्लटर नहीं करना चाहते, हमारे मन में अभी भी एक ऐसा खौफ है, एक ऐसा आतंक है कि अहम राष्ट्रीय संघ, तुमने उधर से जब लक्ष्मी का और श्री सूक्त का उदाहरण दिया तो मैं तुम्हें वाक सूक्त का उदाहरण, देवी सूक्त का, वो देवी है जो सारे प्रपंच के रूप में, इस माया शक्ति के रूप में है, हमने उसकी भी आराधना की, हमने उसको और कहा अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम चिकित्सी प्रथमा यज्ञानाम ताम मा देवा विदधु पुरुत्रा भूरिस्थ्रताम भूया वेशयंतीम मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यन्ति यह प्राणति य ईशणोयुक्तम अमंतवो माम तो उपक्षयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्विम ते वदामि मैं ही राष्ट्र संपूर्ण इसे राष्ट्रीय मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी हूं, मैं उपासकों को उनका अभीष्ट धन प्रदान करती हूं, जिज्ञासुओं के साक्षात कर्तव्य और उनके परम ब्रह्म की अनुभूति को मैंने पहले ही अनुभूत किया हुआ है, जिनके लिए यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, संपूर्ण प्रपंच के रूप में मैं ही अनेक अनेक रूपों में विद्यमान हूं, और भिन्न भिन्न देश काल वस्तु और व्यक्तियों में जो कुछ किया जा रहा है वह मेरे लिए किया जा रहा है, इसलिए संपूर्ण विश्व में अवस्थित होने के कारण जो कुछ भी कोई करता है वह सब मैं हूं। यह हमारे यहाँ उस प्रपंच शक्ति की भी आलोचना है जो कि देवी भगवती है, देवी की, वह किस प्रकार से हमारे पास आती है, वह हम जो भी कार्य करते हैं वह कार्य बिना ब्रह्म को केंद्र में रखे हुए, जैसा आपने शुरू में कहा, बिना ब्रह्म को केंद्र में रखे हुए, बिना यज्ञ को, बिना सत्य को, बिना धर्म को केंद्र में रखे हुए वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ कहा कौटिल्य ने, आचार्य कौटिल्य ने, मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमिरति अर्थ, मनुष्यों का, मनुष्य होने का अर्थ क्या है, उसकी वृत्ति उसका अर्थ है, आपकी आजीविका नहीं है तो आपकी मनुष्यता भी कैसे, उसका उद्घाटन नहीं होगा। मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमिरते अर्थ के, और मनुष्यों होने का अर्थ यह है कि आपके, आपका भूमि से संबंध क्या है, भूमि सूक्त है, इसलिए पृथ्वी सूक्त को भूमि सूक्त का, मनुष्य आशुतोष है लेकिन आपका भूमि से संबंध क्या है, क्या माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, इस अर्थ में आप आशुतोष हैं, आप मनुष्य किस अर्थ में है, भूमि आपकी अंबाला है और संपूर्ण पृथ्वी, ये जो एक साथ ही मनुष्य के सारे अस्तित्व को लोकल और ग्लोबल, मेरी अर्थ की कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा महाभारत में बार बार चेताया है कि तुम किसी एक व्यक्ति को कुल के लिए, कुल को समाज के लिए, समाज को राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को इस संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए त्याग दो, यह अर्थ की का मॉडल होना चाहिए, न कि मैं ही, जैसे आपने बात कहा कि अर्थ की शुचिता, जो अर्थ का मल है,
अर्थ का मल, अर्थ का प्रदूषण यह है कि मैं जो वहां का सेंट्रल मॉडल है, जो वहां के पश्चिम के इकोनॉमिक डिस्कोर्स में अगर इंडिविजुअलिज्म हटा दें, अगर आप कैश टैक्सेस हटा दें, अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म हटा दें, कोलैप्सेस एंड इट अगेन लैप्सेस इनटू ए मैन्युफैक्चर्ड एथिक्स एंड मोरालिटी, मैन्युफैक्चर्ड मोरालिटी एंड एथिक्स, जिसके के लिए वो फिर तरह तरह के इमेंसिपेटरी डिस्कोर्सेस तैयार करते हैं। समझ में आया ना, मार्क्सिज्म इज ऑल्सो एन इमेंसिपेटरी डिस्कोर्स, जिसमें के एक वर्ग रहित आर्थिक समाज की परिकल्पना है, लेकिन कितनी हिंसा, उसके लिए हिंसा कितनी की गई। आपके यहां अहिंसा परमो धर्म है, वहां हिंसा परमो धर्म है। विदाउट हिंसा यू कैन नॉट इनफोर्स, यू कैन नॉट ट्रांसलेट दैट यूटिलिटेरियन मार्क्सिस्ट मॉडल। इसलिए आप चार्ल्स डिकिंस का उपन्यास पढ़िए हार्ड टाइम्स 1854 का, उस इंपीरियल कैपिटल, उस कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म के हेडेज में लिखा गया वो उपन्यास, जिसमें लिखा फैक्ट्स एंड फैक्ट्स अलोन आर इंपॉर्टेंट। ये मॉडल है इकोनॉमिक डिस्कोर्स का, रैशनैलिटी चाहिए, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी चाहिए, इंपीरिसिज्म चाहिए, साइंस नहीं साइंटिज्म चाहिए। हमारे यहाँ विद्या और अविद्या दोनों को लेते हुए ध्यान रहे, जो अध्यात्म विद्या में भी रत रहा, ईशावासियों परिषद कहता है वह ज्यादा गहरे अंधकार में जाएगा। ध्यान रहे किससे, जो सिर्फ भौतिक विद्याओं का अनुसंधान करता है, रत रहता है, वह भी अंधकार में जाएगा। ये ध्यान रहे, ऋषि बहुत ही वस्तुनिष्ठ होकर आपका आप विमर्श देता है, उसका जरा उसका अर्थ देखिए विद्या और अविद्या के। फिर वो कहता है मार्ग क्या है, उनका मार्ग तो एक ही है, मार्ग एक ही है, अविद्या मृत। ये जो लौकिक जगत है, इसकी विद्याओं को प्रयोग कर उसको हासिल करके मैं इस मृत्यु से लड़ना चाहता हूं, भय से लड़ना चाहता हूं, ये जो मृत्यु का भय है। लेकिन इस मृत्यु के भय से लड़ते हुए और उस पर विजय प्राप्त करते हुए भी अमृतत्व तो नहीं मिलेगा, इसलिए विद्याम अमृतम अश्नुते, इसलिए मुझे विद्या चाहिए। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को उभौ तौ विजया, नहीं तो मैं दोनों को साथ साथ जानूं। अर्थायाम का अर्थ मतलब यह अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसीलिए भारत की ज्ञान परंपरा में ये चार शास्त्र, चाहे मोक्ष शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इवन काव्य शास्त्र हो। मुझे एक काव्य शास्त्र का ग्रंथ बताएं, सभा में मेरे पूज्य गुरु रमाकांत जी भी होंगे, जिसमें के मोक्ष और धर्म की कामना न की गई, जिसका उद्देश्य धर्म और मोक्ष न हो, पुरुषार्थ परक एक और वन सिंगल वर्स इन एंटायर पोएटिक्स दैट इज एंटायरली मटेरियलिस्टिक। काव्य शास्त्र में भी, काम शास्त्र में भी, उनको पहला अध्याय पढ़िए, उन्होंने कहा अगर काम धर्म, तो भगवत गीता में भी कहा, उन्होंने कहा मैं धर्माविरुद्ध काम हूं, धर्माविरुद्ध। तो धर्माविरुद्ध अर्थ कैसे हो सकता है, शांति पर्व पढ़ लीजिए, एक एक चीज महाभारत का शांति पर्व और विदुर नीति पढ़ लीजिए उद्योग पर्व से, और हर तो एक मतलब वो पढ़ने की बात है। तो वो कहता है मनुष्याणाम वृत्तिरर्थ मनुष्यवती भूमिर भूमिरिति अर्थ, फिर तस्या पृथिव्या पालनो पाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्रम इति, मतलब मनुष्य में, मनुष्य का अर्थ वृत्ति, वृत्ति और जो वृत्ति है वह मुख्य अर्थ है, और उसके बाद मनुष्य होने का अर्थ भूमि है, और उस पृथिव्या के, उस भूमि के कल्याण के लिए जो शास्त्र पढ़ा जाता है या जो शास्त्र होता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यह पहली। दूसरी शुक्र नीति में है, उसमें लिखा है श्रुति स्मृति अविरोधेन, श्रुति और स्मृति से अविरोध में, श्रुति और स्मृति से सम्मत जो जो राजवृत्त है, जिसमें राजनीति भी है और वार्ता भी है और आर्थिक चिंतन भी है, उसको ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ये शुक्र नीति में
आपको बताऊं, ये कहा उन्होंने कि जो श्रुति और स्मृति से सम्मत हो। तो श्रुति और स्मृति का हेतु क्या है? यह बहुत बड़ी बात है कि श्रुति और स्मृति क्यों केंद्र में रखी? क्योंकि धर्म और मोक्ष केंद्र में है, क्योंकि यज्ञ केंद्र में है, यह ध्यान है। और यह कोई कर्मकांडीय संकल्पना नहीं है, यह बिल्कुल ही शास्त्रीय और वैज्ञानिक तार्किक संकल्पना है। दूसरा, आप शांति पर्व में आइए, तो शांति पर्व में फिर उन्होंने कहा कि हमें कोई राज्य की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रहे, न राजदंड की आवश्यकता है। क्यों? उन्होंने कहा यदि आप सत्य युग के अनुसार आचरण करें, इफ यू बिलीव इन ए यूटोपिया, देन देयर इज नो नीड ऑफ राज्य। वो जो यूटोपिया है, जो आपके मेरे सपनों का भारत है ना, वह जो आदर्श भारत है, वो क्या कहते हैं? जैसे आप राम राज्य, आप कम्बन रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में राम के राज्य का और लंका का, इन दोनों वर्णन पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि धर्म केंद्रित अर्थायाम क्या है और अर्थ और प्रदूषित अर्थायाम क्या है लंका का। यह बहुत बड़ी बात है, दोनों के आप अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ अयोध्या के वर्णन पढ़िए, और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तर और दक्षिण का भेद मत करिए, जब वाल्मीकि रामायण पढ़ें, जिसकी की डेट 12,000 से 14,000 वर्ष पूर्व लिखी गई है ना, वाल्मीकि का काल, ये तो अभी इतना ही पहुंचे हैं हम। और आप कंब रामायण 10वीं शताब्दी, तमिल का बहुत बड़ा महाकाव्य, तो कैसे वो उसको वर्णन करते हैं 12,000 साल से, और ये जो 10,000 साल की जो डिस्टेंस है, इसमें वर्णन तो नहीं बदलता है अयोध्या का, यह ध्यान रहे। बड़ी विचित्र बात है, न राज्यम न राजासी, न राजा था न राज्य था, न तो दंड कहा, दंड व्यवस्था थी, न एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, न दंड का था, धर्मेण एव प्रजा सर्वा, सारी प्रजा धार्मिक थी, सारी प्रजा धर्म का अनुपालन करती थी, इसलिए सर्वा रक्षन्ते स्म परस्परम, इसलिए सभी परस्पर रक्षा करते थे। और इसी के लिए जब मनुस्मृति, मैं कहता हूं कि मनुस्मृति जब ये जब नीचे केंद्र में रखना चाह रहे थे मनुस्मृति, तो इसका मतलब यह नहीं कि नीचे या गांधी या सुधीर या आशुतोष या दत्तोपन ठेंगड़े या धर्मपाल मनुवादी थे, और वो मनु की सारे जो उसमें आज हमें संहिता में संग्रह में जो श्लोक मिलते हैं, उन श्लोकों का सीधा लिटरल शाब्दिक उसको हम व्यवहार में उतारते नहीं, उसमें जितने प्रक्षेप हैं, आचार्य सुरेंद्र कुमार की तो विशुद्ध मनुस्मृति है, उपलब्ध है, आप पढ़िए कि उन्होंने कितनी वैज्ञानिक रीति से कहा कि जो मनुस्मृति का जो शुद्ध रूप है वह इतना श्रेष्ठ है कि अगर उसका अनुपालन ही हो जाए, उसका पाठन ही कर ले, तभी आपकी समाज में इतनी विकृतियां हैं उनका निदान मिल जाएगा। तो जरा मनुस्मृति में आप देखिए तो कितने प्रकार से अर्थ चिंतन हुआ है, मैं आपको अभी कुछ उदाहरण बताऊंगा कि कितने प्रकार के अर्थ चिंतन हमारी स्मृतियों में हुए हैं, जो कि आज की संसार में एक एक चीज, एक एक वह जो चिंतन है वह कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है। तो आप जरा ये भी देखिए, अच्छा कामंदक नीतिसार की कोई चर्चा नहीं होती है ना, जब हम चाणक्य नीति की या कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा करते हैं, जिसमें कि आपने अगर राजा को सबसे बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए यदि कोई जल के स्रोत, जंगलों को, अरण्य को, जल के स्रोतों को, अग्नि को या अग्नि के स्रोतों को यदि कोई प्रदूषित करता है, मैक्सिमम पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड। ये मनुस्मृति को ही उदाहरण दे रहे हैं वो कौन, आचार्य कौटिल्य। और यही कामंदक नीतिसार में है, धर्म को केंद्र में रखते हुए संपूर्ण कामंदक नीति शास्त्र क्या 3rd से 4th century AD का कामंदक नीतिसार को कहा गया है ना। अब डेट जो तिथियों का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है भारत में, लेकिन आप ये देखें कि वो जो अंडरकरंट ऑफ धर्म और अर्थ जो उनका युग में है, यह निरंतर साथ साथ चलता है। और यह मत सोचिए कि उसमें माइक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं हुई है, जैसे पश्चिम में कहते हैं,
वह भी पूरी की पूरी कि कैसे टैक्स लगाने चाहिए, कैसे चीजों का प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे होना चाहिए, कैसे चीजों की वस्तुओं का क्रय विक्रय और उनका विस्तार कैसे करना चाहिए। ध्यान रहे एंगस मेडिसन ने द मिलेनियल इकोनॉमी, द मिलेनियल इकोनॉमी नाम से अभी 10 वर्षों पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी एंगस मेडिसन ने, और वो यूएनओ ने किताब लिखवाई कि विश्व की जो जिसे आप ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं उसमें उसमें हो क्या रहा था। उसमें ध्यान रहे चौंकाने वाले नतीजे थे। 18वीं शताब्दी तक 1720 तक भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के केंद्र में, 25% जितना व्यापार होता था वो भारत का था। इससे पहले उन्होंने महाभारत और उस काल के उन्होंने बताया है अपने हिसाब से काल गणना करके 40% तक विश्व का व्यापार जो था उसका हिस्सा भारत का था। यह एंगस मेडिसन ने कहा कि भारत और चीन यह दो विश्व की अर्थव्यवस्था के जिसे इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं उसके केंद्र में रहे। यह सिर्फ 18वीं भारत का क्षरण आर्थिक पतन जिसे हम कहते हैं वह 18वीं शताब्दी से शुरू तो 1000 से हुआ है। ध्यान दे 1100 के बाद से भारत का, एंगस मेडिसन कहता है कि भारत का, क्योंकि भारत के ऊपर निरंतर हमले होते हैं तो भारत का आर्थिक चिंतन, भारत का आर्थिक उत्पादन दोनों का क्षरण होता है। तो यह मैं आपको बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पश्चिम ने भी इस बात को माना कि भारत का जो एक इन टर्म्स ऑफ जिसे आप क्वांटिटी कहते हैं मात्रा की दृष्टि से कितना बड़ा भारत का एक प्रतिशत था इस पूरे विश्व के व्यापार में। और इसके बाद जब ये बात आती है कि भारत में अर्थ का चिंतन हुआ तो अर्थ को पुरुषार्थ क्यों कहा गया। अर्थ को पहली बात यह है कि पुरुषार्थ को समझना बहुत मुश्किल है भारत में, क्योंकि उसे पुरुष को मेल ह्यूमन कह दिया जाता है। भाई पुरुष को स्त्री का, एक तो हमारे यहाँ बाइनरीज में पढ़ाने की आदत है, स्त्री का ऑपोजिट क्या है बताइए, स्त्री का ऑपोजिट क्या होगा, विलोम बताइए इसको। अब स्त्री का कोई विलोम उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा पुरुष। तो पुरुषार्थ उतना ही होगी। आप कोई मार्क्सिस्ट की किताब पढ़े वो सबसे पहले कहते हैं कि द एंटायर इंडियन थॉट मॉडल इज पेट्रियार्कल एज वेल एज ब्राह्मणिकल। आशुतोष जी, अगर आप जैसे आचार्य के सामने कोई यह कहे कि पुरुष का अर्थ मेल ह्यूमन होता है तो आप इस पर सिर्फ हंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुरु की, ये जो पुरु है, ये जो शरीर है, इसके अंदर जो वसवसता है वह आत्म तत्व है। पुरुष की स्थिति वह है कि पुरु में, और ध्यान रहे ये जो पुरु शब्द इसके भी व्यंजनाएं हैं, ये शरीर के अंदर ये संपूर्ण जगत पुरु है, पुरुष सूक्त है ना, उस पुरुष में जो बसने वाला है, जो जीव है वह पुरुष। और दूसरे अर्थ में चूंकि इस जीवात्मा को चूंकि वो संधान करता है, जीवात्मा उसमें देह में निवास करता है और वह देह मनुष्य की है जो अपने आत्म तत्व को पहचान पाता है। मैं सीधी सीधी आपको भागवत पुराण का 10वां और 11वां स्कंद बता रहा हूं, काइंडली भागवत पुराण का 10वां और 11वां पढ़िए, ये पढ़ाया जाना चाहिए मनुष्य क्या है और मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है। तो वह चूंकि मनुष्य को हासिल है, वह अन्य जानवरों को इतना हासिल नहीं है। लेकिन मनुष्य होने का मतलब यह नहीं है कि आप यू आर ऑटोमेटिकली अवेकेंड टू दिस परमार्थ। ये आप अपने आत्म तत्व के प्रति पहले से ही संवेदित हैं, ये नहीं है, है ना, क्योंकि वहां पर भर्तृहरि क्वेश्चन करते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, है ना। और ये तो हम लोग हैं जो ते मर्त्यलोके भवे बाहर मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ज्यादातर लोग पशु के स्तर पर जीते हैं, पशु के, आपका ही है ना तंत्रालोक, तंत्रालोक में बहुत अद्भुत बात है वो, उसमें ये कहा गया है कि भाई हम सारे लोग पशु हैं बट वी हैव टू इवॉल्व, we have to elevate ourselves to the level of Shiva।
पशु से प्रभु होना, पशु से पति होना, आशुतोष इफ आई एम करेक्ट, यही द रिलेशनशिप बिटवीन पशु एंड पति। हमें अर्थ वह चाहिए, हमें दृष्टि अर्थ, हमारी आर्थिक दृष्टि वह होनी है जो हमें पशुत्व से पतित्व की ओर ले जाए। अब आप इसको फिर बहुत से फेमिनिस्ट कह देंगे बड़ी पेट्रियार्कल है, अरे पति का अर्थ क्या है शंकर अद्वैत में, तो आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी, वो कहेगी यार ये पति ही क्यों, पत्नी क्यों नहीं कह दिया, है ना। अच्छा जरा हम याद करें याज्ञवल्क का वो संदेश वृदारण्यक का, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को धन की इच्छा इसलिए नहीं होती आशुतोष से प्यार करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही जगह, इसलिए करता है कि वह आत्मा को जानता है, वह आत्मा, तो इसलिए आत्मा, आत्मा को जानो, और अगर आप आत्मा को जानते हो तो फिर आप अर्थ, आपके सामने संकट, अर्थ का संकट नहीं रहेगा आपको, आप अर्थ आपका मल से युक्त नहीं होगा, जो अर्थ मल है जैसे कर्म मल है ज्ञान मल है, ये हमारे यहाँ मल कहे गए हैं और शैव दर्शन में तो उनका बहुत विस्तार दर्शा है, दर्शन उनका दर्शन है, वो आप ध्यान रहे उस मल से दूर रहना है, नहीं तो रावण और राम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। राम का जो राम की आर्थिकी और रावण की आर्थिकी में जो मुख्य भेद है वह धर्म अर्थ और मोक्ष को लेकर है, क्योंकि वहां पर अर्थ और काम, उन्होंने कहा मुख्य क्या है इस, जैसे आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि काम और मोक्ष ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन मोक्ष तो बाद में मिलता है, उन्होंने कहा धर्म और अर्थ जब ये साथ साथ चलेंगे तब काम और मोक्ष, इसलिए धर्म केंद्रित अगर आप रहेंगे तो अर्थ और काम दोनों आपके सिद्ध होंगे। अच्छा अब हम आते एक एक छोटी छोटी सी चीज आपको बता रहे हैं जो कि कौन से ऐसी जो जो अर्थ का महत्व है वह क्यों इतना बताया गया, हम अर्थ का इतना महत्व तो क्यों हमारी स्मृतियों में, मनु स्मृति में भी, नारद स्मृति में भी, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी। उन्होंने कहा सारी क्रियाओं के मूल में अर्थ है। अब यहां देखिए अर्थ का मतलब इकोनॉमिक, जिसे आप इकोनॉमिक, लेकिन अर्थ के मूल में उद्देश्य की प्राप्ति, आपकी क्रिया इसलिए होती है कि आप किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सो ऑल योर एक्शंस आर प्रयोजन मूलक और ऑल योर इकोनॉमिक एक्शंस आर ऑल्सो प्रयोजन मूलक। तो पहली बात, फिर वो कहता है कि जो 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 आचार्य शुक्राचार्य हैं वो बार बार ये कहते हैं कि अगर इस संसार से अर्थ समाप्त हो जाएगा तो यह संसार अपनी सत्ता ही खो देगा, यह संसार का व्यवहार ही रुक जाएगा, इसलिए अर्थ का व्यापार चलता है। यह संसार जैसे धर्म पर टिका है उसी प्रकार से धर्म की पूर्ति और प्राप्ति हेतु अर्थ, अर्थ का उत्पादन निष्पादन चलना चाहिए, इसलिए इस संसार में अर्थ का उपयोग और प्रयोग दोनों आवश्यक है, अर्थ का सही धार्मिक अर्थ का उपयोग और प्रयोग। इसके बाद वो कहते हैं कि जो संसार में जो निर्धन होगा, निर्धन को अर्थवान नहीं बना सकते आप, क्यों, वो अच्छी बातें भी करेगा लेकिन उसको कोई सुनेगा नहीं, केवल अर्थवान सर्वलोकस्य बहुसम्मतः, जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है वह बहुत बड़ा एक, जिसे आप प्रभुसत्ता कहते हैं, आज भी ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में जिन्हें आप इकोनॉमिक पावर हाउसेस कहते हैं उन्हीं का सबसे बड़ा राजनीतिक वर्चस्व भी होता है, अंतरराष्ट्रीय वर्चस्व भी उन्हीं का होता है। अब उसके बाद वो कहते हैं कि जो 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 मनुष्य है वह क्यों नहीं चाहता कि वह निर्धन हो, धन की संकल्पना यहाँ पे आ गई। एक आप ध्यान रहे अर्थ, अर्थ का एक एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि धन होता है, यह धन का विज्ञान है। आप जरा देखें कि धन की संकल्पना, वहां वेल्थ है वहां मनी है, वेल्थ मनी और फिर बाद में वो करेंसी वगैरह आती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप धन की संकल्पना में जाते हैं तो धन तो बहुत
बिल्कुल अलग है हमारी संकल्पना धन की। धन का धन की संकल्पना वह है जिसको दोहा जाए, वह जो आपको सुख प्रदान करे, वह सब कुछ जिससे कि आपको सुख मिले, वह सब कुछ जिससे कि आपका आपका सशक्तिकरण और आप जिससे अपने शक्ति से समन्वित हो, वह सब धन है। इसलिए धन की जो व्युत्पत्ति है हमारे यहां, जैसे अगर आप निरुक्त में जाएं तो धन की व्युत्पत्ति में ये मेटीरियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो ये कहते हैं कि वह सब कुछ धन है जिससे होकर आप पूर्ण होते हैं, आप जिससे पूर्ण मानव बनते हैं, वह भी आप जिससे अपने ध्येय को प्राप्त करते हैं, और वह सारा जो आपके पास साधन है, वह साधन में भी धन है निरुक्त के अर्थों में। इसलिए धन हमारे यहां धन की बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसलिए धन और धान्य, इसलिए अन्न भी धन है, इसलिए अन्न ब्रह्म भी है। हमारे यहाँ एक फूड टेक्नोलॉजी पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े प्रोफेसर और डायरेक्टर आए थे, वो पंजाब विश्वविद्यालय से एक MOU करना चाहते थे, तो उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी पे इतना बड़ा व्याख्यान दिया और कहा कि हम आपको फूड टेक्नोलॉजी देंगे और फूड की जो साइंटिफिक नोशंस हैं वो उन्होंने बताई। तो मैं वहां पर एज डीन रिसर्च था वहां पर, तो मैंने कहा सर आपकी बहुत ही यूरोप में तो आपने कमाल कर दिया है कि आपने सारा जो आपकी आर्थिकी है उसमें फूड प्रोसेसिंग है ना। हमारे यहाँ अन्न है सर अवधारणा, और अन्न ही हमारे यहाँ सेक्रेड स्पेस में सबसे बड़ी एक उसके रूप में आता है, अवयव के रूप में, क्योंकि अन्नम वही ब्रह्म, और अन्न ही हमारे यहाँ सारी सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखता है वह अन्न का ही रूप है। शरीर भी अन्न है हमारा, हमारे विचार भी अन्न है, हमारी ऊर्जा भी अन्न का रूपांतर है, क्योंकि अन्नमय कोश उन पंच कोशों में से एक है जिससे के आगे चलकर हमें आनंदमय कोश की ओर जाना होता है। ये एक प्रक्रिया है सर के अन्नमय से फिर हम कैसे प्राणमय आए, और प्राणमय से मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। तो हमारे यहाँ मैंने कहा सर एक बड़ी समग्र और जिसमें समष्टि, व्यष्टि और परमेष्टि, ये तीनों स्तरों पर सर अन्न की अवधारणा है जो कि आपके यहां मिसिंग है। आपके यहां मोर एंड मोर एक टेक्नोसेंट्रिक नोशन ऑफ अन्न है जिसे आप फूड कहते हैं। तो हमारे यहां वह धन है तो वह धान्य भी है। तो यह एक परिकल्पना पश्चिम में नहीं, पश्चिम में तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो अच्छा। दूसरी सारी हमारी हमारा जो जो एक बहुत बड़ी वितंडा जिसे मैं आपसे कहूंगा, द ब्यूटिफुल ट्री बाई धर्मपाल, ये पुस्तक है। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था जो थी जिसमें के जिसकी इसकी एक अर्थव्यवस्था थी, उसको पैसा कौन देता था, उस शिक्षा को की आर्थिकी क्या थी, सारा गांव और गांव के बाद जनपद उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करता था, कि उसके लिए राजा भी देता था, लेकिन राजा के अलावा सारा स्थानीय जो निकाय थे वो सब उसके लिए धन देते थे। और उन्होंने 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का डाटा पंजाब कलकत्ता मद्रास और मुंबई इनके चार जगहों के और मैसूर, इन्होंने आंकड़े दिए हैं द ब्यूटीफुल ट्री में धर्मपाल जी ने, जो आंकड़े उन्होंने कहां से इकट्ठे किए, स्टैटिस्टिक्स ब्रिटिश लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम से लंदन में रहते हुए। उन्होंने दिखाया कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जिन्हें आप SC कहते हैं, जिन्हें आप शूद्र वर्ण का कहते हैं, वो थे, है ना, और सबसे ज्यादा शिक्षक भी जिन्हें आप OBC और शूद्र कहते हैं उसके थे। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग डाटा वाली बात नहीं है, यह जो डाटा ब्रिटिशर्स ने खुद कलेक्ट किया था। इसलिए वह जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी प्रकार के जो वर्ण थे वह समाज में प्रोफेशनल डिविजनल और ऑक्यूपेशनल डिविजन ऑफ लेबर था, और वो नॉन हेरिडिटरी था और नॉन हायरार्किकल था, और जिसमें के मनु ही बताते हैं इसको कि कैसे ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य शूद्र भी हो सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय शूद्र भी हो सकता है। आप पढ़ लीजिए मनुस्मृति। तो यह जो चार आश्रम थे उसी प्रकार से आप फ्री हैं, आप
उस आश्रम में से, ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ गृहस्थ से, वानप्रस्थ वानप्रस्थ से संन्यास, आप किस आश्रम में जाना चाहते हैं? ये आश्रम की भी व्यवस्था थी कि आश्रमों को संयुक्त किया उन्होंने वर्णों से, वर्ण आश्रम धर्म, ये कोई पेट्रियार्कल और ब्राह्मणिकल नोशन नहीं थी। ब्रह्म एक सुप्रीम ट्रुथ, परमार्थ के रूप में हमारी परंपरा में रहा है। ब्राह्मण कोई जाति के रूप में वंदनीय यह हमारी श्रुति में नहीं रहा। हमारी श्रुति की परंपरा में ब्राह्मण जैसी कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। तो यह जब तक हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वैश्य का स्थान भी उतना ही, उदर के बिना कैसे आप शरीर को रखेंगे, और शूद्र के बिना, हम सब शूद्र हैं, अपनी अपनी वृत्ति मिलती है, हम पढ़ा रहे होते हैं, हम राज्य के नौकर हैं, इवन एक आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी शूद्र है। ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण होना, स्वभाव कर्म गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण जो है वही ब्राह्मण है, इसमें किसी को बुरा लगने की बात ही नहीं है, इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। लेकिन ये अर्थ और अर्थों का विस्थापन हुआ जब हमारे ऊपर इस प्रकार से एक पोर्चुगीज यूरोपियन कंसेप्ट, जाति जिसे कास्ट कहा, वह जानबूझ कर ला दी गई, और उसके साथ इन जातियों में विभाजन हुआ, उसी के प्रकार से सेंसस हुई। सो आपकी पूरी जो अर्थ हमारे नहीं थे वो अर्थ हमारे ऊपर थोप दिए गए। मेरा कहना यह है कि वह अर्थ जब आपके ऊपर थोप दिए गए, जैसे कि आप सोचिए कि किसी भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी की कीमत क्या हो, उसकी कीमत क्या होना चाहिए, प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे होना चाहिए। अब आप देखिए, आप कहेंगे ये तो चर्चा कैसे हमारे यहाँ नहीं, यही इसकी चर्चा है, शांति पर्व में चर्चा है इसकी, मनुस्मृति 8वें अध्याय में चर्चा है, कौटिल्य ने प्राइस डिटरमिनेशन एक पूरी मैकेनिज्म दी हुई है। आप द्वितीय अध्याय में देखिए, चतुर्थ अध्याय में देखिए, महाभारत के शांति पर्व में देखिए, शुक्र नीति में देखिए कि कैसे उचित कीमत का निर्धारण करते, किसी भी वस्तु की उचित कीमत का निर्धारण करते समय उत्पादन लागत और उचित लाभ की मदों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं, यथा कामात पदार्थात पदार्थानाम वर्गहीनाधिकम भवेत। उन्होंने कहा कि इन प्रकार से कीमतों में काल समय स्थान और स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रहे कीमतों में। फिर उन्होंने क्या कहा, देखिए कीमत मूल्य और मूल्य वृद्धि इसे को कैसे कंट्रोल करें, तो उन्होंने कहा कि क्रेतु संघर्षे मूल्य वृद्धि, ये ध्यान रहे, आपस में प्रतियोगिता के लिए कुछ लोग कीमत बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, अथवा स्पर्धा स्पर्धितो योरवा मूल्यवर्धन, तो या तो मेरी चीज ज्यादा बिक जाए उसकी चीज कम बिके, या प्रतिस्पर्धा जो कंपेटिटिव बिडिंग होती है, कंपेटिटिव प्राइसिंग होती है। और तीसरी बात, पढ़ने बाहुल्यात, जब एबंडेंस ऑफ चीजें हो जाती हैं तब उनकी जानबूझकर कमी की जाती है, उन कमी से भी कीमतों में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि। ये बिल्कुल एक लॉजिकल रैशनल, याज्ञवल्क्य और कौटिल्य ने इस पर विचार किया, उन्होंने कहा कि मूल्य किसी भी वस्तु का मूल्य वह है जिसमें कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही लाभ की स्थिति में हो, ये याज्ञवल्क्य और कौटिल्य यह कहते हैं कि और इसके लिए उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए जो कमोडिटी प्राइस ऑफ कमोडिटीज को देखें, पण्याध्यक्ष नियुक्त किए, अद्भुत अद्भुत दर्शन है कौटिल्य का, क्योंकि हमारी व्यवहारिक जो हमारी आर्थिकी है एक परिवार की, उसमें कीमत, उसमें प्राइस सिस्टम एक बहुत अहम का घटक होता है। और फिर क्या कहते हैं शुक्राचार्य, यथा देशम यथा कालम मूल्यम सर्वस्य कल्पयेत। अब इससे बड़ी बात क्या है, दुबई से सोना लाके आप आज ही देख लीजिए कितना सोना स्मगल करके लाए, एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, वहां सोना सस्ता, साउथ अफ्रीका में सस्ता, यहाँ पर महंगा। अब ये जो चीजें हैं, जो भारत में आपके स्वेटर्स हैं बहुत सस्ते, और इन्हीं लुधियाना के और जालंधर के की चीज आप लंदन ले जाए, जरा एक आपको स्वेटर है वो 6,000 रुपए का मिलता है लंदन में, जो आप 600 रुपए का स्वेटर यहां से ले जाते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल सही है, कौन शुक्र नीति बिल्कुल ठीक है। वो ये भी कहते हैं जो शीघ्र नष्ट होने वाली चीजें हैं उनकी कीमत,
देखिए शीघ्र नष्ट होने वाली, उनके लिए कहा अजस्र पण्याणाम, और उन्होंने कहा सद्य क्रय विक्रयी, फिर शीघ्र ही खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुएं, इनमें मूल्य भेद होता है। जो पेरिशेबल ऑब्जेक्ट होता है आप देखिए कितनी जल्द कितना उसका मूल्य होता है, और कुछ ऐसी इम्पेरिशेबल होती है उनका भी मूल्य बहुत ज्यादा होता है। जैसे डायमंड है, अब डायमंड का बहुत ज्यादा मूल्य है। अब डायमंड के मूल्य की अर्थ की क्या है, उसकी भारत की दृष्टि से यह तो शुक्र नीति और याज्ञवल की स्मृति और कौटिल्य वो बताते हैं कि वह एक ऐसा रत्न है जिसकी के आपने एक उसका सामाजिक महत्व तो आपने निर्धारित कर रखा है, वह उस महत्व तो का मूल्य है, न कि डायमंड का मूल्य है। सोने की सुवर्ण पर कितने मंत्र में केंद्र में सुवर्ण रखा है ऋग्वेद में, वह सुवर्ण वह स्वर्ण वह स्वर्ण वह किस प्रकार का प्रतीक है, वह किस प्रकार का मूल्य बनता है स्वर्ण, उसका मूल्य। इसलिए मूल्य की भी जो चिंता है, मैं बहुत एक और आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वेजेस क्या है, जैसे अभी हम लोग सब रिटायर हुए हैं, आशुतोष और हम सब लोग वेज अर्नर्स थे, हम सब लोग मजदूरी ले रहे थे, हमें एक सैलरी मिलती थी, वेतन मिलता था। अब ये वेतन का निर्धारण कैसे हो, अब ध्यान रहे चाहे शुक्र नीति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनुस्मृति, तीन प्रकार की आपकी वेतन बताया है। पहला है कार्यमाना, पीस वेजेस, जितना कार्य करोगे उतनी ही आपको वेज मिलेगी, कार्य माना। दूसरी काल माना, जितनी देर काम करोगे, जिस अवधि में तक काम करोगे काल माना। तीसरी कार्य काल माना, जितनी कार्यकाल तक के लिए आप हैं वह आपकी वेज। ध्यान रहे पश्चिम में वेजेस की काउंटिंग, वो उनके पास हमारी वाले स्रोत नहीं है, लेकिन उनके यहाँ एनुअल वेजेस होती है ना आशुतोष जी, होती कि नहीं, टेन्यूरियल जॉब्स होते हैं, आचार्य रविंद्र जी बैठे हैं, टेन्यूरियल पोजीशंस, और उनकी सैलरी आज भी डॉलर्स काउंट होते हैं, एनुअल उनकी सैलरी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपके हमारे यहाँ दूसरे, हमारे यहाँ भी मासिक है, एक मासिक काल है हमारे यहाँ उस तरह से। इसके बाद पारिश्रामिक रिम्यूनरेशन, ये ध्यान रहे कि परिश्रम पर आधारित वेतन, परिश्रम पर आधारित, तो उन्होंने कहा श्रेष्ठाभृति होनी चाहिए। कोई व्यक्ति काम विशेष प्रकार का, एक मजदूर काम कर रहा है लेकिन वो श्रेष्ठ कार्य है तो सबसे ज्यादा उसको श्रेष्ठाभृति। मैं जब वहां गया, हमारे यहाँ तो डिग्निटी ऑफ लेबर अब आया है कि प्लम्बर और आप बढ़ई को आप सम्मान की दृष्टि से अब देखने लगे। ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसमें कहना ना होगा कि 2014 के बाद के भारत में हम बैठे हैं इसलिए ये चर्चाएं कर पा रहे हैं। ये चर्चाएं असंभव थी, ये तो बिल्कुल निश्चित मानिए आप, इसको कौन सुनने वाला था। यह राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में ये जो आज गोष्ठी आपने आयोजित की ये उसका चमत्कार है। तो वो कहता है कि मध्याभृति जो मॉडरेट होती है वह होती है, जैसे कि आपने कहा कि पंखा संभाल दो, हमारा प्लम्बर बुला लिया, तो वह जितना कार्य करता है जिसमें मध्यम प्रकार के कार्य होते हैं, जिससे आपके रोज के कार्यों में मध्यम प्रकार की कठिनाइयों पर को जो निवारण करता है उसको आप मध्यम वृत्ति। फिर ऑर्डिनरी वेजेस देते हैं, उतनी वेजेस जो न्यूनतम वेज आज भी आप करते हैं ना, क्या आज है ना मिनिमम, अरे भाई मिनिमम वेज है ना, मिनिमम वेज उसका तो होता है ना, उतने से कम नहीं दे सकते। और चौथा हमारे यहाँ पर हीना वृत्ति, इंफीरियर, जब आप उस वेतन उस पारिश्रमिक से कम आप देंगे तो आप उसके साथ न्याय कर रहे होते हैं। सो अगेन अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर आप देखिए, आशुतोष जी आप जरा, जिसे आप हड़प्पा, हम लोग उसे सरस्वती सभ्यता आप कहते हैं क्योंकि हड़प्पा और सिंधु हड़प्पा जैसी कोई सभ्यता नहीं थी, वह सारी सरस्वती सभ्यता थी। और सरस्वती ये कहा गया कि आर्य बाहर से आए और वो तो कृषक थे और उन्होंने आके अधिकार किया, और यहाँ के लोग तो जंगली कृषि कृषक, यहाँ के लोग जो थे वह तो दास थे और उन्हें संस्कृत तो आती नहीं थी, संस्कृत खुद विदेशी भाषा कही गई है। क्यों भाई आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 10 वर्षों में इन सारे मिथकों का क्या कैसा हुआ, ये सारे मिथक मिथ्या साबित हुए, ये बलात् आरोपित किए गए थे क्योंकि जेनेटिक
एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस जिसका के ऋग्वेद साक्षात प्रमाण है, ध्यान रहे, इन सारे साक्ष्यों के आधार पर यह प्रूव हुआ। अभी आप देखिए सनौली में, राखी गढ़ी में, है ना, सनौली में राखी गढ़ी में जो अवशेष मिले हैं, जो मैनपुरी में अभी बहुत बड़ा आपका कुतुब मीनार के प्रांगण में खड़ा हुआ वह जो लौह का स्तंभ है, आपको मालूम है कि उससे श्रेष्ठ स्टील पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में, पूरे विश्व, शेष विश्व में उससे श्रेष्ठ स्टील का कोई मानक नहीं है। कब का है वो? 4th सेंचुरी एडी। फिर आप देखिए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार, जिसमें के ऋग्वेद में एक बार जिक्र आता है कि 100 मस्तूलों वाले शिप कहां से जा रहे हैं? गुजरात से जा रहे हैं, और वो जाकर रोमन एम्पायर, मतलब पूरा ट्रेड, इंडो रोमन ट्रेड, इवन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जिसमें रोमिला था पर भी सम्मिलित हैं, वो कहते हैं वो एक भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था, वो इतना बड़ा वैदिक काल से, ध्यान रहे, जब मैं वैदिक काल कहता हूं तो यह पूरा, ये जो आपकी भारतीय सभ्यता है वह पूरी जो कश्मीर से कन्या आसिंध सिंधु पर्यंता जो पूरी सभ्यता थी, उसमें जहां जहां तटवर्ती जो पोर्ट्स थे, हैं, जो 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 हमारे जहां से जहाज जाते थे, उनका इतना बड़ा, साउथ दक्षिण में वहां देखा, चोल पांड्य चेर इन राजाओं का पूरे चीन तक इतने बड़े बड़े शिप्स जाते थे भारत के, और वह सब भारत की प्रचुर संपदा, क्योंकि स्वर्ण लाते थे वहां से, यहां से मसाले और टेक्सटाइल जाता था। तो भारत में इस प्रकार की, आप किसी भी मंदिर में जाइए, जैसे वरदेश्वर टेम्पल तंजौर जाइए, आप सांची जाइए, सांची में देखिए तो कि वो जो सांची का स्तूप है उसको दान देने वालों की जरा सूची देखिए, आप देखिए श्रेष्ठ परंपरा थी हमारे यहाँ, श्रेष्ठ थी, गिल्ड्स थी हमारे यहाँ, इतना बड़ा जल परिवहन का बहुत बड़ा सेंटर, भारत में विश्व के सबसे अच्छे शिप्स बनाए जाते थे। आज भी आप और मलाबार रीजन में आप जाइए और उधर गुजरात में आपको जाइए, यह परंपरा आज भी जिंदा है। भारत में एक प्रकार के शिप का उल्लेख है रोमन सोर्सेज में, जिसमें कि एक भी लोहे की कील नहीं लगती थी, अमेजिंग, और जिसमें के जिस जहाज में 6 tiers होती थी, 6 तल होते थे, 6 तल, ये वह देश अध्यात्म प्रधान कैसे हो गया? ध्यान रहे अध्यात्म भारत के केंद्र में है, लेकिन भारत सिर्फ आध्यात्मिक राष्ट्र नहीं है, कभी नहीं रहा, भारत के केंद्र में, भारत का जिसे आप डीएनए गुणसूत्र कहते हैं, उसमें अध्यात्म है, उसमें धर्म है, हमने उसको ही सबसे पहले काटा जब संविधान बनाया। ध्यान रहे हम अर्थ केंद्रित हुए, हम धर्म केंद्रित नहीं हुए। अर्थ का मतलब वहां पर पोलिटिकल इकोनॉमी से, ये और ध्यान, अर्थ के जो एक अर्थ है, अर्थ का एक अर्थ है राज्यतंत्र, आपको धर्म से ही चित कर दिया गया। कब? 1974 में उन्होंने कहा यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो या तो यह राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष है, अगर यह धर्मनिरपेक्ष है तो राष्ट्र, राष्ट्र की अवधारणा क्या है? नेशन है, नेशन के लिए इकोनॉमी चाहिए, ध्यान रहे राष्ट्र के लिए धर्म केंद्रित अर्थ चाहिए, ये मूल भेद है राष्ट्र और नेशन में। नेशन बिना इकोनॉमी के, और जब मैं कहता हूं नेशन बिना इकोनॉमी के, उस नेशन का डिस्कोर्स बनता है नेशनलिज्म, हमारे यहां राष्ट्रवाद जैसा कोई वाद नहीं, देयर इज नथिंग लाइक नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि नेशन ही नहीं है हमारे यहां, राष्ट्र है, देश है, इसलिए राष्ट्र गीत जो यजुर्वेद का है, जरा उसका पारायण करिए, वेयर इज द अदर, वेर इज द अदर, इट्स एन इंटीग्रल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रहे, ये मूल भेद हुआ कि हम सोशलिस्ट भी हो गए तुरंत, सेकुलर भी हो गए तुरंत, कैसा अर्थ चिंतन होगा? यह तो अभी भी खड़ा है। जब तक आप घोषित नहीं करते कि भारत मूलतः सनातन, जिसमें यही सनातन आर्थिक, भारत का अर्थव्यायाम सनातन अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख विमर्श है,
विश्व में और कहीं भी सनातन अर्थव्यवस्था का कोई विमर्श नहीं है। शाश्वत अर्थव्यवस्था का, जिसे आप कहते हैं लोक संग्रही अर्थव्यवस्था का कोई विमर्श हो, जिसके बीच में शिवत्व है, जिसके बीच में धर्म तत्व है, इस धर्म तत्व के बिना अर्थ तत्व बेकार है और अर्थ तत्व के बिना धर्म तत्व का संपादन ही नहीं हो सकता। ये अन्योन्य आश्रित संबंध है इनमें, इनसेपरेबल, और उसके साथ अर्थ के साथ काम को पुरुषार्थ बनाया गया, काम को हमारे यहां सिन नहीं बताया गया। इसलिए अधीना श्याम शरदा शतम, अधीन होकर ध्यान रहे। दो बातें, एक तो शत्रु बोध, ये ध्यान है अर्थ की उसमें डिस्कोर्स में जो अर्थ मल और अर्थ अर्थ के जो शत्रु कहे जाते हैं उनका बहुत पूरा मैं करना नहीं चाहता। आप देखिए अर्थ के ऐसे 15 अर्थ अर्थ मल बताए जिनसे अर्थ से अनर्थ की उत्पत्ति हो जाएगी। आपका अर्थ, आप चाहते हैं कि इंडिया शुड बी एन इकोनॉमिकली डेवलप्ड, जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे कहा कि भारत को अर्थ की दृष्टि से संपन्न करना चाहते हैं, तो बिना धर्म के ये हो नहीं सकता। क्यों? बिना धर्म के अर्थ अनर्थ हो जाएगा। कैसे? ये जरा देखिए आप, ये किसमें? भागवत पुराण में 11वें स्कंद में आप क्या कहता है, इस्तेयम हिंसा अनर्थम, 15 दोष बताए, 15 अनर्थ। कौन कौन? मैं हिंदी में बताई देता हूं। पहला है चोरी होगी, थेफ्ट होगी, हिंसा होगी, झूठ बोलना होगा, दंभ होगा, काम होगा, क्रोध होगा, मद होगा, अहंकार होगा, भेद बुद्धि होगी, वैर होगा, अविश्वास होगा, स्पर्धा होगी, लंपटता होगी, यूथ गैम्बलिंग होगी, मद्य इस ड्रिंकिंग और ये अल्कोहलिज्म, ये दुर्व्यसन, ये 15 अनर्थ उत्पन्न हो जाएंगे यदि सुख और अभ्युदय ध्यान रहे। अभ्युदय की कल्पना करने वाले मनुष्य को यह चाहिए कि अर्थ को धर्म से समन्वित करके अर्थ का उपार्जन करे, अन्यथा ये 15 अनर्थ समस्त समाज और उस राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। आज हो क्या रहा है? आपने एक बार कराया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब आप स्पिरिचुअलिटी इंडेक्स बना दीजिए। ये जितनी इंडेक्सिंग आप करते जा रहे हैं और श्रेणियां बनाते जा रहे हैं और होल से दूर हटते जा रहे हैं, होलिस्टिक आप नहीं है। जैसे कि वो कह रहा है कि आप देख लीजिए पूरे यूरोप के समाज और दूसरे जो मजहबी, हम लोग धर्म निरपेक्ष, उन्होंने ध्यान रहे मजहब निरपेक्ष नहीं लिखा, धर्म को तो बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर देना है। आपका सारा संविधान आज के उसमें मजहब सापेक्ष है कि नहीं आशुतोष जी? बिल्कुल, मजहब सापेक्ष संविधान। इसलिए आपकी जो आर्थिकी है वह पॉलिटिकली करेक्ट इकोनॉमिक डिस्कोर्स है, आपका पॉलिटिकली करेक्ट है, इट्स ए वोकिस्ट डिस्कोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप ही सोशलिस्ट हो गए। आपको सोशलिस्ट जहां पर समत्व जैसा दर्शन हो, वहां पर मंत्र, वहां सोशलिस्ट, जहां साम्यवाद एक पूरा विश्व नहीं पूरी सृष्टि के साम्य पर बल दिया गया हो, जहां साम्य इतना कि साम वेद का साम गीत, एक जहां की पॉलिटिक्स और जहां की पॉलिटिक्स, इफ पॉलिटिक्स मींस द वेज टू रेगुलेट अवर ह्यूमन अफेयर्स इज पॉलिटिक्स, देन अवर पॉलिटिक्स इज अवर पॉलिटिक्स एंड अवर पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स बिकॉज इट इज सेक्रेड। जहां सेकुलर और सेक्रेट का कोई द्वैत नहीं है, जहां होल, इसीलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्। यह कोई कर्मकांडी मंत्र नहीं था, यह तो बिल्कुल व्यवहारिक है। और इसलिए यम और नियम में अकेला भारत ही उदाहरण है जिसमें अपरिग्रह और आस्तेय, क्यों जी, जो अर्थ की आप बात करते हैं, अपरिग्रह और आस्ते परक ही तो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि मेरे पास ए पेनी मोर देन व्हाट आई नीड हैज ऑट टू बी आइदर गिवन, राइट, ए पेनी मोर, एंड इफ आई हैव ए पेनी लेस देन समबडी इज नॉट परफॉर्मिंग हिज और हर धर्म। समझ में आया ना? ये राइट्स बेस्ड
डिस्कोर्स नहीं है, राइट्स बेस्ड। इसमें अधिकार नहीं है आपको, इसमें आपके कर्तव्य हैं, इसमें आपके ऑब्लिगेशंस हैं। आपको अर्थ का जो जिसमें आप अर्थ का व्यवहार इस प्रकार से करना है आपको, जैसा कि हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि इसीलिए राम राज्य हमारा गोल है। राम राज्य में क्या हानि है? आप जरा राम राज्य का वर्णन पढ़िए। तो राम राज्य परक अगर आपका अर्थ चिंतन है जिसमें के मानव और प्रकृति और ये सृष्टि के सभी अंगों का एक बड़े नैतिक प्रकार से और एक बड़े ही आप कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रकार से, धार्मिक प्रकार से उनका संबंध है, संबंध को सुनिश्चित किया गया है और उनका अवदोहन जिसे आप कहते हो एक्सप्लॉयटेशन, एक अंग्रेजी में भयंकर शब्द है जिसे अवदोहन कहते हैं, उनको रिसोर्सेज बनाते हैं, उस रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जब तक के वह धर्म की संकल्पना नहीं है तब तक ग्रीड सेंट्रिक इकोनॉमी रहेगी। इसलिए गांधी ने हिंद स्वराज में कहा कि यह तो शैतानी राज्य है, यह तो शैतानी अर्थव्यवस्था है। गांधी ने कहा बिल्कुल शैतानी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने हिंद स्वराज में पूरी तरह से उस सारे पाश्चात्य मॉडल को, और गांधी अकेले नहीं थे ऐसा कहने में, ये भी बात है। आप अगर आप आरसी दत्त का द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने आशुतोष जी आज कहीं नहीं वो पुस्तक पढ़ाई जाती, द हिस्ट्री ऑफ अब इंडियन इकोनॉमी, उसको आप कहेंगे एंशंट इंडिया। ध्यान रहे जैसे आपके पंजाब विश्वविद्यालय में एक कोर्स चल रहा है सर्टिफिकेट कोर्स एंशंट इंडियन विजडम, इससे बड़ी गाली भारत को नहीं दी जा सकती। जरा रमाकांत जी से पूछ के बताएं आचार्य जी से कि हमारी विजडम एंशंट है। relevance of that सनातन प्रवाह of भारतीय प्रज्ञा, जो हमारी प्रज्ञा का सनातन प्रवाह है। तो ये थोड़ा सा ये बिंदु थे, कुछ ही बिंदु हैं इसमें, कोई मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मैं सिर्फ एक आप कह सकते कि मैं अपनी एक व्यथा को शेयर करना चाह रहा था कि आप इकोनॉमिक डिस्कोर्स चाहते हैं, आप अर्थ पर चिंतन चाहते हैं। मैं कह रहा हूं पहले अर्थ का अर्थ समझने की बहुत आवश्यकता है, और जिसको समझाने में संस्कृत के आचार्य, मैं संस्कृत के भी आचार्य नहीं, जो भारतीय प्रज्ञा के जो आचार्य है, जो हमारी मेधा है, वह अपनी भाषाओं के माध्यम से पहले बताए कि अर्थ का परमार्थ से संबंध क्या है, अर्थ का धर्म और काम से संबंध क्या है, उसी प्रकार से हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। द मोमेंट वी थिंक दैट वी शुड प्रिपेयर ए मॉडल which should compete with the Western epistemological model or ontological model of economic discourse, we are defeated before the battle begins. जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत अद्भुत और बहुत ही हलाजनक आपका ये आज का अभिभाषण रहा है। निश्चित रूप से मेरी जानकारी में बहुत सारी बातें नहीं थी और उसको आपने उसका वर्धन किया और मेरी सोचने के जो प्रक्रिया थी उसको भी आपने जो है वो संस्कारित किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये बात सही है कि मेरे सामने कुछ जो चुनौतियां हैं वो कुछ अलग प्रकार की रही हैं और मैं इस तरह से सोचता हूँ कि हमें सोशल साइंसेस को अपनी शास्त्रीय परंपरा और लोक परंपरा के आधार पर उनको चुनौती देनी चाहिए और एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर देनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोक भाषा में उसका प्रयास करें कि पहले कि शास्त्र और लोक के आपसी संबंधों पर एक बार स्पष्टीकरण करें, उसके संबंधों को ज्यादा बेहतर जाने और फिर उस आधार पर इस तरह से व्यवस्था को हम अग्रसर करने का प्रयास करें जो धर्माश्रित हो। तो
बहुत सारी आपकी बातों को मैं, मेरे लिए तो वाकई वो ये इसी को कहते हैं कि ये परिचर्चाएं नहीं होती, ये संस्कार करने का तरीका है। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है कि अपने अपने जो हमारी सीमाएं हैं उसका विस्तार कैसे हो, उसका संस्कार कैसे हो, ताकि हम ज्यादा खुले मन से, मस्तिष्क से देख सकें, सोच सकें, समझ सकें और व्यापक रूप में चीजों को और व्यवस्थाओं को समझ सकें और तदनुकूल अपने अपने धर्म का हम निश्चय करके कर्म करें। तो मैं अभी ज्यादा टिप्पणियां ना करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप में से जिस किसी के भी कोई भी प्रश्न है या टिप्पणियां हैं वो आप लोग कर सकते हैं, बहुत संक्षेप में, बहुत सटीक सी, जिस तरह की भी बात आप कहना चाहते हैं, क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा सीमा से अधिक चला गया है। तो सबसे पहले डॉक्टर इंदु शर्मा जी, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। जी मैम। सर नमस्कार सभी को, इतने बड़े विद्वान और इतनी बड़ी परिचर्चा, इसके लिए बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगी, खाली व्यवहार के हिसाब से बोलूंगी, क्योंकि अर्थ है वो सबसे पहले मनुष्य को ना, हर वर्ग के मनुष्य को ना ग्रसित करता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, है ना। और स्त्रियां तो उसमें सबसे ज्यादा ग्रसित होती है कि मन का उनके पास कण ही आता है, तो और भारतीय शास्त्र में तो वही मैनेजमेंट होती है, और मैनेजमेंट के नाम पे आज का जो अनर्थ हो रहा है वो तो देखने में सर ने सुनाई दिया क्या हो रहा है। इसी जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि ऋषि युग में जो था, 5 तरह के यज्ञ थे, उसमें धर्म धर्म अर्थ प्रधान नहीं था, उसके अंदर अपनी क्षमता के अनुसार हर वर्ग को, ऋषि अतिथि देव और सबको वो, है ना, उनको अपनी तरफ से गुरुकुलों को सबको वो लोग देते थे, जो वो थे, वो एक ऋषि परंपरा थी, और जहाँ पर अर्थ के साथ लोभ जुड़ा हुआ नहीं जी था, और काल के सिर में, है ना, वो सोना चांदी और लोभ मोह माया आके उस समय नहीं बैठा था। और ये राम के युग तक भी रहा, और कृष्ण के युग में थोड़ा इसका प्रभाव दिखने लगा, जो महाभारत में, और उनने महाभारत करवाया धन के लालच में और स्त्री और जो मोह माया के जी लालच में। उसके बाद विक्रमादित्य के टाइम थोड़ी शांति नजर आई कि वहां पर एक समान हिसाब थी। उसके बाद आया चाणक्य युग, चाणक्य युग बहुत बेहतर था, लेकिन वहां पर भी ये लोभ मोह माया आ गए, जिसके कारण चाणक्य को अर्थशास्त्र लिखना पड़ा, और अर्थशास्त्र का वो राजनीति शास्त्र भी दिखता है। और जैसे जी भारत एक खोज की वो दृश्य दिखाया गया, भारत का एक बहुत साफ सुथरा हिसाब था, लेकिन वर्तमान युग में जो आपके 3 प्रश्न है वो कहीं पर भी सारगर्भित नहीं हो रहे, कि वर्तमान युग में आपने बताया क्या इसको क्या संतुष्टि है क्या नहीं है, है ना। तो मतलब आर्थिक वाले युग जो धन वाले हैं बहुत ज्यादा, अपना धन जी छोड़ने को तैयार नहीं है, वहां संग्रहता बढ़ रही है, और जो बिल्कुल जो निम्न वर्ग का है उसके पास जो पहुंच रहा है वो कण का मणि पहुंच, मण का मतलब कण ही पहुंच रहा है, वो भी व्यवस्थित तरीके से नहीं जा रहा। और जो मिडिल क्लास है वो इतनी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है कि अपना 30% देके अपनी मेहनत का वो राष्ट्र का पालन पोषण और भरण पोषण कर रहा है, मेरी दृष्टि में तो। और जब अंग्रेज आए थे तब एक था कि भारत में भिखारी नहीं थे, है ना, लेकिन आज अनुदान से हर चीज चल रही है, जो नहीं कर पा रहे उनके पास अनुदान पहुंच रहा है, कहाँ से, मध्यम वर्ग की कमाई से पहुंच रहा है। आप भी सरकारी, जी इतने लोग सरकारी जी कर्मचारी इतने सारे, जो एक मिसमैनेजमेंट नजर आता है मुझे, इसका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ संचय जी करना है, कैसे लेना है, किस वर्ग से कहाँ से लेना है, बस संचय करना है, जो मेहनत का पैसा है वो भी आज व्यक्तिगत रूप से एक ईमानदार आदमी उपयोग नहीं कर पा रहा है ना। इस संदर्भ में लास्ट श्लोक बोलूंगी मैं, वर्तमान का राष्ट्रवेद में जो लिखा गया है, लेकिन जनता तो सब चाहती है, लेकिन मैनेजमेंट के हाथ में सब कुछ है, उसको वो जनता को क्या देना चाहती है ना। और ये अर्थ जो सात्विक तरीके से था, जो ऋषि युग में था, वो तो खैर मान्यता यहाँ अब नहीं चल सकती, लेकिन उसमें संशोधन तो हो ही सकता है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपने आप को सर्वाइव कर सके। और ये मुझे तो ये तीनों प्रश्न में कहीं पर भी वो मतलब सार्थक होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपके चिंतन बहुत जी सुंदर है, बहुत बढ़िया है। इसी में मैं राष्ट्रवेद के अंदर राष्ट्र गायत्री सूक्त का एक श्लोक बोल के आपको इसको बंद करूंगी। ओम भूर्भुवः महो राष्ट्रस्य धीमहि वीर्यो धुम्न वर्धनम धियस्तनन्नः प्रचोदयात्। इसमें प्रचोदयात लिखा है, प्रचोदयात की जगह, क्योंकि वैदिक भाषा ही है। हम सब जी भारतवासी लोग अपने इस राष्ट्र की यश वैभव आदि की बुद्धि वृद्धि करने वाले सर्वोत्कृष्ट विशाल ज्योति का ध्यान रख करते हैं,
पर वह परम ज्योति हम लोगों के कार्य कलापों को और हमारी बुद्धि को पवित्र रखे। लेकिन आज अर्थ युग में ये पवित्र बुद्धि कैसे हो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ असमान वितरण हो रहा है। कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है और हर आदमी आज व्यक्ति को आह्लादित और चिंतित कर देता है। धन्यवाद, मैं यही कह के अपनी बात बंद करूंगी। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जी धन्यवाद। डॉक्टर सदानंद जी, विल यू लाइक टू शेयर योर कमेंट्स? यस सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीच ऑन द इकोनॉमी विथ अवर बेसिक फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स एंड बेसिस on which we are all educated in our subcontinent, even if it is a westernized or pseudo westernized education that we have undergone. All haven't studied Sanskrit. I haven't studied Sanskrit in from the very beginning. But what I would like to have a look at is to tell you what I feel is we can directly experience only the present during the present period, and then we can have the memory of what we have perceived, and whether it is objective and at par with what others have perceived, we will come to know only when we are sharing with others. This is our capacity. To tell you, there are certain types of sounds we cannot perceive. For example, the police whistle, the whistle which they blow for ordering the dogs who are trained and helping them. This sound cannot be perceived by us. So from that itself, we can understand that our capacities for perception and experience of this world is there is a limit. There is a limit. When we talk about the Charvaka view of life, it is a type of denial of whatever is said in the Vedas and completely going on to experiencing the world through the senses and enjoying life, because there is something called death in front of us and we cannot avoid it. But we can avoid the pain. Purely based on the pleasure principle. And then our saints lived their life with austerity, ascetic nature, that sadhu behavior throughout the life, and experienced life and wrote their experiences to us, and we took account of it. And we corrected ourselves in the subcontinent to experience the arthic, that is economic part also, but at the same time be in touch with the things which are beyond our capacity to perceive. Okay. With the help of the gurus, with the help of the teachers. So when we are talking about economy, the balance of looking at the finances, looking at the arthic part of it, of our life, is given by none other than the Vedic knowledge, none other than the experiences of the sages. That particular sloga from Bhagavad Gita, Samadukka Sugasvastha Samaloshtashma Panjana Sarva Priya Priyodhira Sarva Nindatma Samstuti. It's a very, very valid approach to the materialistic, spiritualistic balance which we should have in our lively daily life. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Professor Sudhir. Dhanyavaad, Doctor. Dhanyavaad. Thank you, sir. Dr. Rupika Sharma. Madam, apne ko unmute kar lein. Namaskar, sir. Namaskar. मेरी एक छोटा सी जिज्ञासा है कि आज जब प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रतियोगिता, स्वार्थ, लाभ
व्यक्तिगत उन्नति से जोड़ दिया जा रहा है, चाहे वो परिवार हो, चाहे स्कूल हो या फिर कॉलेज। तब हम जीवन के परमार्थ, पुरुषार्थ और धर्म, इन सब के महत्व को कब जान पाएंगे, कैसे जान पाएंगे और ये कैसे फ्लोट होगा सोसाइटी में, जबकि हमारा जो राजतंत्र है वो भी कुछ मामलों में इनिशिएट करने में डरता है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है डॉक्टर साहब। एक सेकंड, किसी और की कोई टिप्पणी है तो वो ले लें और फिर उसके बाद आप प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। किसी और का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है गुप्ता जी, या कोई और? नहीं है तो फिर मैं डॉक्टर साहब को एक टिप्पणी करने के लिए, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी। जी सर, अपने को अनम्यूट कर लें सर। नहीं, अनम्यूट नहीं हुए सर। नीचे एक माइक का आइकन है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ जी जी, बिल्कुल अब स्पष्ट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी मुझे अवसर देने का। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि सुधीर जी के व्याख्यान को सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारा सोशल साइंसेस में हमने इस दृष्टिकोण को देने की कभी भी प्रयास नहीं किया कि हमारे पास इतना सारा खजाना है, इसका हम कैसे सदुपयोग करें। जी, सोशल साइंसेस में आई वुड सर्टनली इंक्लूड लॉ। जी, लॉ इज बीइंग टॉट एब्सोल्युटली थ्रू द वेस्टर्न ट्रेडिशन, यू सी द होल ज्यूरिसप्रूडेंशियल थॉट। नाउ अंटिल अनलेस वी आर एबल टू डिलीवर द मैसेजेस थ्योराइजेशन through the experiences of our own culture, we would not be able to put across the basic ideas which we wish to percolate. और सुधीर जी ने सारा का सारा इकोनॉमिक डिस्कोर्स में जो मुझे समझ में आया, उन्होंने ये कह दिया कि that the key to whole economic developed Bharat, the Arctic Bharat, its key lies in the creation of Dharmic Bharat. Now here I understand that he's saying Dharmic Bharat mean these are the foundational principles of humanity. These are not to be used in a very parochial or narrow sense of dharma, what we understand in terms of religion. But it is foundational principles. Now, this is precisely the presently the predicament in our constitutional system of government, and in which we have been able to earth out what is known as the basic structure doctrine of the constitution. Now, this basic structure doctrine is no other but the foundational principles of humanity. If we are able to explore these, I think we would be on a stronger footing, you see. And to say that morality has got nothing to do with law, I think this kind of a discourse is completely misplaced, because it is associated with religion in a very narrow and parochial sense, you see. I think सुधीर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर पक्ष का जवाब हमारे पास दिया है कि हमारा मूल्य कैसे निर्धारण करना है, किसकी क्या परिभाषा है, किसको क्या करना है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या हम इस सब को जानते हुए हम इसको अपने सोशल साइंसेज डिस्कोर्स में कोई जगह नहीं दे पाए अभी तक? क्यों नहीं दे पाए और कैसे दे पाए? यही इश्यूज हैं। और निश्चित रूप से ये जो आपने बात कही है, इसका भी एक अभी नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हम इसको टेकअप करेंगे, नीति और न्याय के कॉन्सेप्ट के ऊपर,
कि भारतीय अवधारणा और जो अब्राहमिक रिलीजन्स में और जो ग्रीक है उसके कंपैरेटिव उसके ऊपर एक रखा है, और मैं चाहूंगा कि आप उसमें जो है वो उस लेक्चर को प्रिजाइड ओवर भी करें. सो आई विल मेक अ रिक्वेस्ट लेटर ऑन, बट दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. नीति एंड न्याय के कॉन्सेप्ट पे. तो किसी और का कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? प्रोफेसर मोहन जी, अगर आप सर कुछ, विल यू लाइक टू मेक अ कमेंट, या जितेंद्र भारद्वाज जी? और ओके, ठीक है. तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जी अविनाश जी. इज प्रोफेसर ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम बिहार शरीफ. जी सर. कोटि कोटि धन्यवाद आपको कि आपने एक अच्छे आख्यान करवाए, और इनको जो आमंत्रित किया है उन्होंने सब प्रकार से धर्म पर आधारित अर्थ की व्यवस्था को हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा की है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ. इस क्रम में दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि यह केवल हमारी जो सनातन का तात्पर्य यह नहीं है कि हम वेद उपनिषद और गीता से ही हम अपने आप को लें. सनातन के अंतर्गत हमारा बौद्ध धर्म दर्शन भी आता है, और वहां पर भी धर्म पर आधारित अर्थ की परिकल्पना की गई. दीघ निकाय के कोणदंड सूत्र में स्पष्ट कहा गया है यज्ञ का अर्थ ही है धन का समुचित वितरण, जिसे जितनी अपेक्षा है धन की वो उनको मिलना चाहिए. और इसमें एक बड़ा अच्छा जो है कि कहानी आती है कि कोणदंड एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे और वो यज्ञ करना चाहते थे, और उस काल में ही बुद्ध वहां पर उपस्थित हुए. बुद्ध वहां आए हुए थे तो ये लोग वहां गए, चूंकि बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे यहाँ तो यज्ञ की परिकल्पना है, मैं आपसे इसको सुनना चाहता हूँ. और यज्ञ की परिकल्पना के क्रम में बुद्ध ने जो बातें कही है वो आज की दृष्टि से अत्यंत ही उपयुक्त मुझे प्रतीत होती है. उन्होंने कहा कि यज्ञ का मतलब हवन करना ये करना नहीं, यज्ञ का तात्पर्य है कि जो नीड कर रहे हो चीजों को उन्हें दीजिए. जैसे उन्होंने कहा कि अभी संकट का काल आया हुआ है तो जिन्हें धन की आवश्यकता है व्यापार करने के लिए उन्हें दीजिए, जिन्हें भोजन के लिए धन की आवश्यकता है उन्हें दीजिए, जिन्हें कृषि के लिए धन की आवश्यकता है इन्हें दीजिए. और अगर इसी पर अपने हम धन का वितरण यज्ञ के माध्यम से करते हैं, यही हमारा एक समुचित यज्ञ होगा. और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि वह एक अकालग्रस्त क्षेत्र था, चोरी और बेईमानी बढ़ गई थी, लेकिन इस प्रकार से यज्ञ को करने पर, धन का वितरण करने पर धीरे धीरे ये सारे दुर्गुण समाज से नष्ट होने लगे. तो अभी जो मैंने उनका आख्यान सुना है तो उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सारी की सारी चीजें हमारे शास्त्रों में है, और हमारी जो शास्त्र परंपरा है वो बौद्ध दर्शन उसी परंपरा में आती है, और वह भी इसी प्रकार के अर्थ का संबोधन करती है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. जी जी, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि बुद्धिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक थॉट में भी. और अगर आपको ध्यान हो कि जब हम लोगों ने एक एथिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा की थी तो उसमें ये बातें उभर कर बहुत सामने आई थी कि आज की इकोनॉमी के जो नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरह से हम सम्यकता के द्वारा जो है उनको उनका शोधन कर सकते हैं. जी, इसके अलावा किसी आर के गुप्ता जी आपका, या ब्रिजमोहन शर्मा जी, या किसी और का कोई है? नहीं तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को. चलिए जी, बहुत बड़े संक्षेप में आशुतोष जी, पहले तो सारे मेरे साथियों का जिन्होंने मुझे बड़े धैर्य के साथ सुना, सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद. मैं दो एक बातें जैसे कुछ मूल बातें उठाई. अभी जो अपने श्रीवास्तव जी थे जो अभी बोल रहे थे बिहार से, देखिए जो बौद्ध दर्शन है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपरिग्रह और आस्तेय जो है यह तो हमारे वेदांत के मूल में भी है, और बुद्ध ने अहिंसा आस्तेय अपरिग्रह को बिल्कुल केंद्र में रखा है, सदाचार को केंद्र में रखा है. इसीलिए एशो धम्म सनातना, जो धम्म पद है वो पद ही धम्म का हो सकता है, चाहे वो अष्टांग मार्ग
से लीजिए आप, और चाहे आप यम और नियम करके ले लीजिए आप, है ना, टेनफोल्ड पाथ से ले लीजिए, चाहे एट फोल्ड पाथ से ले लीजिए, ये दृष्टियां हैं। इसीलिए ये सनातन परंपरा के दोनों अंग हैं। इसी प्रकार से जैन परंपरा में अगर अहिंसा, अपरिग्रह और अस्थे, इन इन तीनों को अगर मिला दें तो आपकी बौद्ध और जैन, और इवन मैं सिख परंपरा को कहता हूँ, वह भी हमारी सनातन परंपरा में है। सिख में अगर आप देखें कि वो पवन आशुतोषी, वो मैं भूल रहा हूँ, पवन पिता पानी, वो क्या है, पवन जो और दया, धर्म दया का मूल या बैल क्या है, वो बहुत कैसे पवन है और पानी है और धर और दया जिसका कि धर्म जो बैल है, जो धर्म का बैल है, जिसे वृषभ के रूप में कहा गया है, वो आपके संपूर्ण जीवन के केंद्र में सिखिज्म में भी है। वो जो एकत्व है, जो एकात्मता का हमारा दर्शन है, वह हमारे सनातन इन दर्शनों के केंद्र में। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जब सोशल साइंसेज में इनका क्यों नहीं हम अपनी दृष्टियों को ला पाए, जो पूरी तरह से सेक्रेड सेकुलर का द्वंद ही उनमें खत्म है, दे आर दी होलिस्टिक इनसाइट्स। अब आप देखिए, आपके यहां जैसे अगर हम ये कहें कि राजधर्म, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट स्टेट क्या है, राष्ट्र, राज्य का मूल, राज्य के अंग, दंड और उसका उपयोग, राष्ट्र रक्षा, तंत्र और शासकों की शासन, मतलब शासक तंत्र और शासकों की योग्यताएं, फिर न्याय तंत्र, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिमंडल, केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, राष्ट्र की आय और राष्ट्र की आय के स्रोत, राष्ट्र के कोष का महत्व, सेना संचालन, कर और कर में छूट, राष्ट्र का व्यय, सैनिक सेना और सैन्यकाल, अंतरराष्ट्रीय संबंध, गुप्तचर संस्थाएं, चार उपाय, साम, दाम, दंड, भेद, उपायों का प्रयोग, फिर संधि विग्रह, उसके बाद युद्ध और उसका परिणाम, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, शिक्षा संस्थाओं और उनका महत्व, अध्यापक और छात्र, मानव समाज के कल्याण के प्रयत्न। यह सब आपकी स्मृति परंपरा में, विभिन्न स्मृतियों में, महाकाव्यों में, पुराणों में बहुत प्रमुखता से वर्णित है। इसके लिए तो आप जब इतने रिसोर्स आज वह नहीं है भारत के पास, आपके पास अपरिमित रिसोर्सेज हैं, जिसे हम कहते हैं धन है आपके पास, लेकिन आप उस धन का कम से कम एक प्रक्रिया तो शुरू कीजिए, जो भारत की भाषाओं में ही इन इन ये जो सोशल साइंसेज हैं उसके जो प्रमुख घटक हैं, उन पर जो भारत, जिसे आप भारतीय नॉलेज सिस्टम कहते हैं IKS के नाम से, अरे भाई भारतीय नॉलेज सिस्टम कोई अलग से विषय ना होकर हर विषय में जो भारतीय दृष्टिकोण है, जो भारतीय ज्ञान है, उसको समावेशित करना ही, उससे परिवर्तन आ जाएगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे आपको घर में बताना है कि आपको कैसे साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करना है घर की अर्थव्यवस्था के लिए, एक उदाहरण, और ये उदाहरण किसने है, याज्ञवल्क्य की स्मृति से मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, एक पिता कह रहा है अपने बेटे से, अधीश्व पुत्र काधीश्व, पढ़ो बेटा पढ़ो साम, दास्यामि तब मोदकम्, मैं तुम्हें लड्डू दूंगा बेटा पढ़ो, दान यद्याद अन्य अस्मयी प्रदास्यामि, नहीं तो मैं है किसी दूसरे को दे दूंगा, क्या लड्डू, भेद, दूसरे को दे दूंगा ना भेद, और फिर कहता है कर्णम उत्पाटयामि ते, और अगर तू नहीं पढ़ेगा तो कर्णम उत्पाटयामि, मैं तेरे कान खींचूंगा। आप रोज कौटिल्य के इस वेद को, यह जो कामंदक नीतिसार में है या गिवल्क में है या कौटिल्य में, आप करते हैं। अब हमारे सोशल साइंसेस में उस उपायों का जिक्र नहीं है, उन संधि का और विग्रह का जिक्र का नहीं है, मंडल थियरी को नहीं बताते। हमारे यहाँ सबसे पहले मॉडल ही पॉजिटिविस्ट मॉडल आता है, एम्पिरिकल, जैसा सर बता रहे हैं कि जब अमर्त्य सेन ने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा तो वो कहता है मेरे पास धर्म के अतिरिक्त कोई विमर्श नहीं है जिससे मैं जस्टिस को समझ सकूं, इसलिए आपके यहाँ न्यायाधिकारी ही धर्माधिकारी होता है। हमारे यहाँ न्याय धर्म से अलग नहीं है, ये चीजें बड़े व्यवहारिक रूप में, और अब समय आ गया है क्योंकि इन बातों को करने का एक
उपयुक्त समय भी है, वो समय इस जो भी मोदी जी का प्रण है, जो सेकंड प्रण है, जो दूसरा कि गुलामी के हर अवशेष को हमें समूल उठाकर फेंकना, ये उनका राष्ट्रीय प्रण है। पहला प्रण है कि हमें अपने राष्ट्र को विकसित करना है, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमें गुलामी के हर अवशेष को उठाकर फेंकना है। तो यह समय आ गया है कि जब हम इस प्रकार से अपनी जो हमारी विश्वविद्यालय स्तर पर ही नहीं, यह स्कूल स्तर से जब हम इस तरह से प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे पंजाबी और हिंदी में अगर बोलें तो रिपोर्ट कार्ड में और पेरेंट टीचर मीटिंग में ये ना हो कि आपका बच्चा अंग्रेजी में डेफिसिट है। अगर वो पहला कदम तो उठे आपको आपके स्कूल लेवल विश्वविद्यालय लेवल। धन्यवाद जी। बिल्कुल यही मेरे जो चिंता है और मैं जो कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट की बात मैं करता हूँ बार बार, वो यही है कि जिस तरह से हमने पंचम पढ़ाते तो मुझे लगता है उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती थी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सुझाव दे रहे हैं बड़े स्पष्ट हैं। वेताल पंचविंशति को हमने कभी क्रिटिकल थिंकिंग के एंगल से पढ़ाई नहीं, केवल पढ़ाने की दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। और लेकिन वो अब दायित्व तो हम सभी संस्कृतज्ञ और संस्कृत के प्रति स्नेह रखने वाले लोग समझेंगे, तभी जा करके ये नया डिस्कोर्स डेवलप हो सकता है, अन्यथा तो ठीक है, समय तो सभी का जा रहा है। तो मेरा यही प्रयास था सभी संस्कृतज्ञों के लिए भी कि भैया इस तरह से पढ़ाना क्या है ये भी देखो, और पढ़ाना कैसे है ये भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि 70-80 साल तो हो गए जो पढ़ाते आ रहे हो, लेकिन अब पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन करना, दृष्टि को व्यापक करना बहुत जरूरी है। जो जिसके लिए मुझे लगता है आज जितना भी धन्यवाद ज्ञापन करें मुख्य वक्ता का वो कम ही है, क्योंकि उन्होंने अर्थ को धर्म के साथ जोड़ करके जो नए सिरे से अर्थ को परिभाषित किया है, इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया है, हालांकि वो इकोनॉमिक्स और अर्थ शब्द जो है वो बड़ा ऑल इंक्लूसिव सा है, इकोनॉमिक्स फिर वही छोटा रह जाता है, सीमित रह जाता है, लेकिन जिस रूप में उन्होंने उसको व्याख्यायित किया है, परिभाषित किया है, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। और निश्चित रूप से मेरी दृष्टि तो विकसित भी हुई है, और उसमें वो जो एक अंतरधारा का पता लगना चाहिए था उससे भी मेरा स्पर्श हुआ। तो निश्चित रूप से अगली बार जब हम इस सारे विषय को लेंगे अर्थायाम के, तो उसको हम इसी तरह से उसको और सघन और सुव्यवस्थित और सुपरिभाषित करके सुप्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। तो उनका मैं आप सभी की ओर से और इंस्टीट्यूट की ओर से और संस्कृत अकादमी की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और उसके साथ साथ आज जिन श्रोताओं ने हमारे साथ जुड़े हैं, अपने सुझाव दिए हैं, अपनी बात रखी है, हमारे साथ साझे की है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने धैर्यपूर्वक सारी बात को सुना, हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा उत्साह वर्धन किया और अपनी ओर से उसमें जो है अपनी अपनी आहूति भी डाली है। और मैं सर बिल्कुल निश्चित इस बारे में निश्चित हूँ कि जो हमारी अवधारणाएं हैं वो हमें उनके आधार पर ही नए सिरे से इन सब बातों को परिभाषित करना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए सोशल साइंसेस को, ताकि हम उनको डीकॉलोनाइज करें और फिर अपने मॉडल्स को हम स्थापित करें। इसीलिए मैंने अपनी बात जो शुरू की थी वो यज्ञ से की थी कि ऐसे यज्ञ को मेरे लिए यज्ञ इस रूप में है, और यही लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट जो है वो इस रूप में है। और इसीलिए जो आगे के वो तीन मॉडल थे, स्वर्ग का मॉडल और इसका विष्णु लोक का मॉडल और जो शिव लोक का मॉडल है, तो हम इनको केंद्र में रख करके जो है आगे जो इकोनॉमिक्स के लोगों को हम चुनौती देंगे और सुप्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। बाकी ठीक है, जितना हो गया ठीक है, नहीं हो पाया तो भी ठीक है, अपना कर्म तो कर रहे हैं स्वधर्म समझ के, इतने ही से ही मुझे संतुष्टि है। तो पुनः आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही मिलेंगे। और अगला जो हमारा विषय है फ्राइडे को, वो ब्राह्मणिकल हिस्ट्री के ऊपर है, ब्राह्मणिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन हिस्ट्री, और उसमें जो उनके सेक्रीफाइसेस रहे हैं और जो थॉट कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में नीति और न्याय के
ऊपर भी बात होगी जैसे मैंने कहा है, और मैं प्रोफेसर वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो मुझे अपना संपर्क जो है नंबर वो दे दें या सुधीर जी दे देंगे, तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, उसमें जो बातचीत आरंभ करेंगे वो मेजर जनरल एकेश्वरी जो है उस सारी बात को इनिशिएट करेंगे और प्रिजाइड ओवर आप कर दीजिएगा, उसको मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। और उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे करने वाली हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड अप भी करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा संकोच भी होता है कि लोगों पे कोई दबाव ना पड़े, क्योंकि इस तरह के विषयों में रुचि रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जुड़े, आप लोगों ने धैर्य दिखाया और सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र जी और मैडम रूपिका जी, थैंक यू सो मच आर के गुप्ता जी। मैं भेज दूंगा नंबर प्रोफेसर वीरेंद्र जी का आशुतोष जी, ठीक है ना? मुझे आप वो कर दीजिए। और एक जो विषय और लेने वाला है वो डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी लेंगे, वो है भारतीय संविधान की जो समीक्षा है गीता के आधार पे, वो निकट भविष्य में वो उसके ऊपर करना था, वो उसको लेंगे। और डॉक्टर चांद भारद्वाज जी अभी जुड़े हैं, उनके साथ थोड़ा लेट जुड़े आज, नहीं तो आपकी टिप्पणी भी अवश्य लेते जी। थैंक यू डॉक्टर सदानंद जी। डॉक्टर सदानंद जी जो है वो बेसिकली साइकेट्रिस्ट हैं, साउथ इंडिया से हैं लेकिन आजकल दिल्ली में रहते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर उनका भी विमर्श रहेगा, उनका भी बहुत ओवरड्यू हो गया है, चर्चा जो है बहुत डिले हो गई है, तो धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वंदे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज बड़ी प्रशंसा होती है शिक्षा में प्रोजेक्ट करके पढ़ाई लेने के लिए।